मुझे बनाना है। तो अब सेकंड क्वेश्चन जब भी बनेगा भारत से रिलेटेड होगा, तो ठीक है कि भारत देश के हम किस राज्य में निवास करते हैं, भारत देश के हम किस राज्य में निवास करते हैं, मनोरमा कुमारी बताएंगी? झारखंड। झारखंड, ठीक है बैठ जाइए। भारत देश के हम झारखंड राज्य में निवास करते हैं, तो अगर ब्लैक बोर्ड वर्क आपने लिखा हुआ कि झारखंड लिखना है, तो आप यहाँ पे क्या करिए, झारखंड लिख दीजिए तुरंत, और ऊपर का जो है पहले मिटा दीजिए इसको, जो भारत है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड अगर आपके पास स्थान नहीं है तो आप क्या करिए इसको मिटा दीजिए। सर वीडियो नहीं दिख रहा है। सर वीडियो नहीं दिख रहा है, ओ अब दिख रहा है जी। ठीक, कि भारत देश के हम किस राज्य में निवास करते हैं, तो मनोरमा ने जवाब दिया कि भारत देश के हम झारखंड राज्य में निवास करते हैं। ध्यान रखने वाली बात, कभी भी किसी भी बच्चे को पहले नहीं खड़ा कराना है या पहले बात नहीं पूछना है। पहला काम क्या है, क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन पूछने के बाद ही किसी बच्चे का नाम लेके पार्टिकुलर हम ये बोले कि आप इस चीज को बताइए। अब नेक्स्ट, अच्छा झारखंड राज्य के, झारखंड राज्य के हम किस जिले में निवास करते हैं, झारखंड राज्य के हम किस जिले में निवास करते हैं, निभा कुमारी बताएंगे? निभा जी सर, कोडरमा जिले में निवास करते हैं। कोडरमा जिले में, ठीक है बहुत अच्छा बैठ जाइए। आपने कहा कोडरमा जिले में, तो ध्यान रखिए अगर कोडरमा आपने ब्लैक बोर्ड वर्क रख रखा है तुरंत इसके नीचे कोडरमा, ठीक ठीक। फिनिश, कोडरमा जिले की भौगोलिक स्थिति कैसी है इसको विस्तार से बताइए। कोडरमा जिले की भौगोलिक स्थिति कैसी है इसको विस्तार से बताइए। आकांक्षा कुमारी बताएंगी? यस सर। कोडरमा जिले की भौगोलिक परिस्थिति कैसी है थोड़ा विस्तार से बताइए। सॉरी सर, हम कोडरमा में रहे नहीं है सर, ये पता नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। अशोक मुंडा आपको पता है? अशोक मुंडा, अगर आपके आपके पास अगर मेरी आवाज जा रही है तो रिप्लाई दें। भाई सुनने से कोई मतलब नहीं है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं है, मैं क्वेश्चन इसीलिए पूछा हूं, आप बोलिए ना। वो भी नहीं बताना चाहते। अनुराग? यस सर, ये नहीं पता। हाँ, सर कोडरमा जिला का भौगोलिक नहीं पता सर। नहीं पता, कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों। आज हम लोग कोडरमा जिले के भौगोलिक परिस्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम सभी कोडरमा जिले के भौगोलिक परिस्थिति, तो यहाँ टॉपिक अब लिखना है आपका, यहाँ पे कहीं भी जगह है कोडरमा जिले की भौगोलिक स्थिति। सर वीडियो नहीं दिख रहा है। सर आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। सॉरी सॉरी, ठीक ठीक बेटा, थोड़ा सा नाम देखने की वजह से मैंने उसको वीडियो को म्यूट कर दिया था। ठीक है, अब सही है जी। बस प्रकरण के सामने, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं था इस वजह से मैंने इसको नीचे लिख दिया, कोडरमा जिले की भौगोलिक स्थिति। इसको या तो आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखें, इन्वर्टेड लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा लगा दें, या आप इसको अंडरलाइन कर दें, आप इसको अंडरलाइन कर दें इसके बाद, ठीक है थैंक यू करके आप क्या हो क्लास के बाहर हट जाए। फिर आकर के आप टीचर से लें कि सर अगर कोई चीज ऐसा जो नहीं समझ में आया है, या कोई चीज ऐसी जो कि आपको लग रहा है कि उसमें सुधार की आवश्यकता है, फीडबैक दे दें, उसको हम लोग फीडबैक लिखते हैं। क्लियर है? ऐसे ही हमको करना है, ये नहीं कि इसके आगे पढ़ाना है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, इस स्किल में सिर्फ इतना ही काम है। सभी को डाउट क्लियर है? सर अभी हम बोर्ड पे कुछ नहीं लिखेंगे, अभी पूरा ब्लैंक रहेगा। ब्लैंक रहेगा सिर्फ यहाँ पे प्रकरण, जब आपका टॉपिक निकल जाता है, प्रकरण निकल जाता है जो आपने बनाया हुआ है, सिर्फ आप उसको भेज करके यहाँ पे क्या करेंगे, रुक जाएंगे, इसके आगे कुछ नहीं करना है आपको, आप वहां से हट जाएंगे, क्योंकि आपके पास समय कितना है, सिर्फ 5 से 7 मिनट, मतलब 6 मिनट मुश्किल से समय है आपको। 6 मिनट में आप क्या क्या करेंगे, बस यहाँ
आगे का काम आगे की स्किल में, ये स्किल में सिर्फ इतना काम करना है। क्लियर है सभी को? Yes. किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले, क्योंकि इसके बाद मैं आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि ये काम अब आपको करना है। हाँ हाँ सर, हेलो, हाँ ना, वो आप फिर से बता दीजिए। ठीक है, फिर से बता देता हूँ आपको। आपका काम क्या है, आप क्या करेंगे इसको समझिए। फर्स्ट काम आपका है, आप जैसे ही ब्लैक बोर्ड पे आते हैं, मतलब सामने आएंगे, ऊपर लिखेंगे स्किल का नाम, सबसे ऊपर ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे स्किल का नाम, तो इंट्रोडक्शन स्किल है या प्रस्तावना कौशल, या जो हिंदी में लिखेंगे यहाँ लिखेंगे कौशल, आगे लिखेंगे प्रस्तावना, ठीक है, या कौशल का नाम तो आगे लिख दीजिएगा प्रस्तावना कौशल। उसके बाद एक किनारे में, एक साइड में जाइएगा आप, अगर ब्लैक बोर्ड पर ऐसे खड़े होते हैं हम तो बाएं साइड ही बोलते हैं, कि लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, डेट लिखेंगे, दिनांक, उसके बीच में आएंगे थोड़ा सा और इधर आएंगे तो विषय, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे मैंने सामाजिक विज्ञान लिखा है, अगर आपने विज्ञान का बनाया, इंग्लिश का बनाया, उसको लिखिए। फिर लास्ट किनारे में कालांश, कौन सा चक्र चल रहा है, मतलब कौन सा पीरियड चल रहा है, तो आप उसको लिख देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपको है। फिर उसके बाद कक्षा, एक किनारे में जहाँ दिनांक लिखा है, दिनांक के नीचे आप लिखिएगा कक्षा, क्लास कौन सी है, फिफ्थ का है, सिक्स्थ का है, जो आपने लेसन प्लान बनाया है उसको लिखिए। फिर प्रकरण, बीच में विषय के नीचे प्रकरण, तो प्रकरण को क्या करेंगे आप, प्रकरण लिख करके, मतलब टॉपिक लिख करके आप छोड़ देंगे। उसके बाद कालांश के नीचे समय, समय कितना है, 5 से 7 मिनट या 6 मिनट, जो आपने लिखा हुआ है आप उसको क्या करेंगे वहां पर लिख देंगे। इसके बाद आप सामने आएंगे, सामने आकर के, अच्छा बच्चों सर ये प्रकरण का मीनिंग क्या होता है सर? इंग्लिश में टॉपिक बोलते हैं, टॉपिक। अच्छा, टॉपिक बोलते हैं ना भाई, टॉपिक हमारा क्या है, तो टॉपिक को शुद्ध हिंदी में बेटा हम लोग प्रकरण बोलते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। तो अब यहाँ सामने आकर के हम जो अपना प्लान बनाए हुए हैं, जो क्वेश्चन बनाए हैं, क्वेश्चन एक बाय वन, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों से उत्तर लेंगे और उनको बैठा देंगे, और उनको अगर आपने ब्लैक बोर्ड वर्क लिखा हुआ है तो जो बच्चा उत्तर देगा उसको हम क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे और बोलेंगे, ठीक है। फिर सेकेंड क्वेश्चन, फिर उत्तर, फिर थर्ड क्वेश्चन, फिर उत्तर, चौथे क्वेश्चन में मान लीजिए आपका संभावित उत्तर, चौथा क्वेश्चन बच्चे ने, जैसे मैंने पूछा, बहुत लोगों ने नहीं बताया, एक लोगों से पूछा, दो लोगों से, ठीक है, आज हम सभी इस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। वही करके अपने आप को क्या करना, स्टॉप करना है, थैंक यू बोल करके आप बाहर निकल जाएंगे। फिर उसके बाद आकर के सामने पूछेंगे टीचर से कि सर जो हमारा फीडबैक है आप हमको फीडबैक दीजिए, तो ऑनलाइन जो आपके स्टूडेंट है वो भी फीडबैक देंगे क्या कमी लग रहा है, और हम भी फीडबैक देंगे क्या कमी है। क्लियर है, कोई डाउट? नो सर, नो सर। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना शुरू करें, एक एक लोग, मेरा व्हाट्सएप नंबर सभी को पता है या नहीं पहले ये बता दो, जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, अगर नहीं है तो लिख लीजिए आप लोग अभी, जस्ट 8865809284, 8865809284। इस नंबर पे जितने भी लेसन प्लान आप लोगों ने बनाए हैं एक एक करके सब लोग भेजिए, और उसी लेसन प्लान के अकॉर्डिंग आप लोग क्या करेंगे, इस प्लान यहाँ पे पढ़ाने का काम शुरू करेंगे। तुरंत भेजिए, कुछ लोगों का मेरे पास है, मैं जिसका नाम लूंगा वो शुरू करेगा पढ़ाना काम। एक लोग का मैं नाम लेने जा रहा हूं, सबसे पहले गुलनाज नगमा, गुलनाज आवाज जा रही है मेरी? यस सर, हमको थोड़ा सा 2 मिनट, हम व्हाइट बोर्ड सेट नहीं किए सर। तो सेट करिए बेटा कहीं, और कोई जो ऐसा है जो सेट करके रखा हो खुद से बताइए भाई, कोई भी कोई जो सेट किया हो। सर काजल। हाँ काजल सेट की हो, ठीक है काजल। आपने तो शायद वो भेजा हुआ है कि नहीं मुझे? जी सर। ठीक है काजल, मैं आपका चेक करता चलता हूँ, और आप सामने आइए।
ठीक है काजल, आप पढ़ाना शुरू कीजिए। सर बोर्ड ठीक सेट किया है? हाँ, बोर्ड सेट करके आप आइए सामने। सर पर नजर नहीं है। सर मेरा टाइम स्टार्ट है क्या? काजल आपका वीडियो आ रहा है। आप प्रॉपर तैयार हैं? जी अपना स्पीकर ऑन कर लीजिए। स्पीकर ऑन कर लेंगे तो जो भी यहाँ से कोई बोलेगा वो सुनाई देगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपने सेट कर रखा है। चलिए ठीक है, अब जो है एक लोगों को मैं बोल रहा हूँ, नाम बोल रहा हूँ। अमृता आवाज जा रही है? अमृता प्रियतम नहीं जा रही है शायद इनको। अनुराग यस सर। आप क्या करिएगा, जब ये पढ़ाना शुरू करेंगी तो फर्स्ट काम आपका क्या काम है, टाइम देखना कि ये कितना टाइम ले रही है टोटल। ठीक है? ओके सर। ठीक, अब जब आप बोलिएगा रेडी तभी से ये शुरू कर देंगे पढ़ाना। जी ठीक है, रेडी हैं आप? जी सर। ये पढ़ाना चालू कर दीजिए। चलिए शुरू कीजिए आप। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ। बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। छात्रों आज मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि हम किस देश में रहते हैं। नाम बताइए, जिसका नाम बोलेंगे वही बोलेगा, देख के नाम बताइए। कुमारी नीतु जी, इंडिया, भारत। गुड, तो और कोई मुझे ये बताइए, भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? नाम बताएंगे वही बोलेगा। आकांक्षा जी, हिंदी। वेरी गुड, तो कोई ये बता सकता है कि हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश में कौन सा दिवस मनाया जाता है? नाम बताइए, नाम बोलिए, नाम बोलना मत भूलिए, जब नाम बोलेंगे तभी बोलेगा। गुलनाज गुलनाज, हिंदी दिवस। वेरी गुड, तो ये हमको बताइए कि हिंदी दिवस हम क्यों मनाते हैं, कोई विस्तार से बता सकता है? नाम बताइए, नाम बोलिए, नाम भूल जा रही है, किसी का नाम लेंगे तभी बोलेगा। मनोरमा
मैम फिर से क्वेश्चन कीजिए। हिंदी दिवस हम क्यों मनाते हैं, कोई विस्तार से बता सकता है? मैम हिंदी दिवस को का और जगह पे ज्यादा प्रचार प्रसार करने के लिए और कोई और इसको ज्यादा बढ़ावा अन्य देशों में भी मिले, हिंदी को अंतरराष्ट्रीय भाषा घोषित कर सके, इस वजह से। ठीक है, और किसी से लीजिए क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का आंसर किसी और से लीजिए। सरिता कुमारी अपना वीडियो ऑन रखिए, सरिता वीडियो ऑन करके रखिए, आप लोग भी जाने तो भाई सामने कुछ से बात कौन कर रहा है। यस मैम प्लीज रिपीट कीजिए क्वेश्चन। हिंदी दिवस हम क्यों मनाते हैं? मैम हिंदी दिवस हम अभी आपने कहा ना तो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हम इसको मनाते हैं। ठीक है, कोई और बताना चाहेगा? निभा नो मैम। चलिए आगे बढ़िए, नहीं आता तो ठीक। हम भारत देश में रहते हैं, भारत देश में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा। बस 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 शांत, अब इससे आगे नहीं जाना है, उसको अंडरलाइन करो, टॉपिक को, टॉपिक को अंडरलाइन करिए, हो गया, बस वहां से हट जाइए, अब हट करके फिर उसके बाद आइए, फिर आइए अब सामने। ठीक, अब अनुराग समय कितना इन्होंने लिया, टाइम 6 मिनट सर, 6 मिनट एक्यूरेट या कम ज्यादा है? एक्यूरेट 6 मिनट हो गया सर, 6 मिनट 5 सेकंड। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, 6 मिनट लगभग 5 सेकंड में, लगभग नियर अबाउट हम लोग का जो टाइमिंग था उसी के आसपास रही है, इससे ज्यादा नहीं हुआ इनका। ठीक है, तो लगभग एक अच्छा काम रहा है काजल का, इनके लिए भाई सब लोग क्लैपिंग कर दें वहीं से, और कोशिश आपकी अच्छी रही है। अब ऐसे क्वेश्चन जिन क्वेश्चन का कुछ जवाब मिल रहा है, क्योंकि वो तो हमारा था संभावित उत्तर, वो मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, तो आपको क्या बोलना है वहां पर, ठीक है आप लोगों ने जो बताया वो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजों को और भी हमको पढ़ना है, तो ठीक है बच्चों आज हम सभी हिंदी दिवस के बारे में अध्ययन करेंगे, करके फिर हट जाना है। ठीक है काजल, काजल आवाज जा रही है? संभवतः तो काजल हट गई है यहाँ से। काजल जी सर है? हाँ, अच्छा आवाज जा रही है, क्लियर बात है, समझ में आ रहा है? हाँ जी, तो सर, जी सर। इसको आप अपने पास नोट कर लेंगे कि हमें क्या अब कमी हमारी क्या रही, कमी ये रही कि हमारा टाइमिंग बहुत अच्छा रहा, टाइमिंग में कोई दिक्कत नहीं है, निश्चित समय में हमने क्या किया उसको कंप्लीट कर लिया। बोर्ड थोड़ा सा बड़ा रखिए, कैमरे को थोड़ा सा सही से सेट करिए सब लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर कर दे रहे हैं इस वजह से सुनाई नहीं दे रहा, हमको अपना चेहरा कम दिखाना है, बोर्ड को ज्यादा दिखाना है। ठीक है, सभी लोग ये ध्यान रखेंगे, आप ही नहीं सभी की बात करें। प्लान आपका बहुत अच्छा था, प्लान में कोई कमी नहीं है, लगभग जो भी चीज किया है कंप्लीट है, तो इंट्रोडक्शन के लिए कोई दूसरा प्लान भी आप जब तक बैठी रहेंगी इन चीजों को, कोई एक प्लान और तैयार करते रहेंगे, अगर हमारे पास समय मिलता है तो उसको हम फिर से रिपीट कर लेंगे, नहीं मिलता है तो वो भविष्य फ्यूचर के लिए काम देगा। ठीक है नेक्स्ट, अब काजल रोल नंबर कितना है आपका? 24। ठीक ओके, नेक्स्ट और कौन पढ़ाना चाहता है? गुलनाज तैयार हो चुकी हैं आप? नो सर अभी नहीं तैयार हुई हैं। नीतू
नीतू है, प्रिया है। नीतू तैयार हैं आप? आवाज नहीं आ रही आपकी। सर मैं पढ़ा देती हूँ। हाँ तो पढ़ाइए, चलिए आइए। हाँ एक्सक्यूज मी सर। जी कौन बोल रही है, पहले नाम बताइए। सर मनोरमा। हाँ मनोरमा बोलिए। सर ब्लैक बोर्ड तो है ही नहीं। है ही नहीं? नहीं सर ब्लैक बोर्ड तो नहीं है मेरे पास। चलिए तो अभी मैं इसका उपाय बताता हूँ कि अगर नहीं है तो कैसे किया जा सकता है इस चीज को। नहीं है तो कोई बात ही नहीं है फिर, लेकिन खरीद ले, मतलब व्यवस्था कर लीजिए। आज आपने कर लिया लेकिन कल तो आपको चाहिए ना। कितने दिन अन्य कोई भाई, कौन किसके यहाँ से डिस्टरबेंस हो रहा है? कोई बच्चा बोल रहा है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। नेक्स्ट कौन है भाई? नेक्स्ट चले। सर कौन बोल रहा है? नीतू नहीं, सरिता कुमारी पढ़ाने जाने। एक लोग नाम हाथ रिच कीजिए अपना, तो जो पढ़ाने जा रहा है। सर वीडियो तो ऑन रखती हूँ मैं, एक मिनट सर। ठीक है सरिता, चलिए आप पढ़ाइए। सरिता अभी पढ़ाने जा रही है, इसके बाद यूजर करके कोई है, वो अपना नाम नहीं लिखा हुआ है। सरिता कुमारी आप पढ़ाइए पहले, उसके बाद यूजर नेम से किसी कोई है उनको देंगे। नीतू आपका आवाज नहीं क्लियर हो रहा है, इस वजह से आप अभी अपने आप को म्यूट रखें। नीतू कुमारी चलिए, सरिता चलिए, सरिता कुमारी। गुड आफ्टरनून बच्चों, तो कैसे हैं आप सर? कोई बोल दो भाई, अनम्यूट रखिए। मैम ठीक है? मैम ठीक है। मैम 6 तारीख 7, 10, 7 और नीचे लिखिए, बहुत ऊपर हो जा रहा है, दिखाई नहीं दे रहा वीडियो में। नीचे लिखिए थोड़ा। और थोड़ा नीचे। ठीक। बच्चों आज हमें बताइए कि हमें ज्ञान कौन देता है, हमें ज्ञान किससे प्राप्त होती है? अनुराग टाइम देखते रहिएगा। यस सर। बताइए आकांक्षा। जी मैम। आकांक्षा बताइए हमें ज्ञान किससे प्राप्त होती है? मैम आवाज क्लियर नहीं आ रहा आपका। अन्य लोग वीडियो अपना ऑफ कर लें थोड़ी देर के लिए, जब तक मतलब नहीं पढ़ा रहे हैं वीडियो ऑफ करें, नहीं तो फिर सर्वर डाउन हो जाएगा, ये प्रॉब्लम होती है। ज्ञान जी शिक्षा कैसे प्राप्त होती है? जी मतलब शिक्षा कौन देता है? गुरु। जी गुरु। अब गुरु कहाँ मिलते हैं हमें, शिक्षक कहाँ मिलते हैं मुझे? विद्यालय में। एक ही लोग से सारा कुछ पूछोगे, नाम लेकर पूछोगे? सर कोई भी आंसर दे सकता हूँ, मैं पूछ नहीं रही हूँ। विद्यालय में मिलते हैं, तो जब हम विद्यालय जाते हैं तो हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है बताइए। काजल बताइए। कॉपी पेन रबड़ पेंसिल कटर बैग टिफिन बोतल। जी
तो आपने कहा कि शिक्षा हमें शिक्षक से प्राप्त होती है, तो शिक्षक जो है व्यक्ति है, ओके ठीक है। उसके बाद हम जब विद्यालय जाते हैं तो हमें जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे आपने बताया पेन कॉपी इन सब चीजों की, तो ये वस्तु हो गए। और हम जिस स्थान पे जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो स्थान हो गया, विद्यालय स्थान हो गया। तो क्या आप हमें बता सकते हैं इन तीनों को हम मतलब क्या कह सकते हैं, व्यक्ति स्थान और वस्तु को? और कोई? जी मैम संज्ञा कहते हैं। जी बिल्कुल, इसे हम संज्ञा कहते हैं। तो आप क्या बता सकते हो, तो संज्ञा क्या हो गया? संज्ञा हो गया वो सब वैसे सब जो किसी वस्तु व्यक्ति और स्थान का बोध कराए, उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो इसके आगे आप बता सकते हो कि कितने भेद और प्रकार होते हैं? उल्लास बताइए या कोई भी। कोई भी एनीबॉडी जो बता सकते हैं? मैम पांच। पांच क्या बता सकते हैं आप, उनके नाम बता सकते हो? जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक और क्या होगा, भाववाचक। भाववाचक कोई बता सकते हैं मुझे कि जाति वाचक किसे कहते हैं? जिसमें जातियों का बोध हो। सर 7 मिनट हो चुका है सर। रुकिए रुकिए रुकिए, अभी वहीं बाद में भी रुकिए। जी मैम, जिस शब्द से किसी वस्तु स्थान व्यक्ति के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। नहीं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे किसी जाति शब्द का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई भी बता सकते हैं। सबसे पहले हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति का बोध होता है। एक मिनट रुको, पहले सरिता आप अपने मन का मत करिए, आपको कहा क्या गया था? आप तो बहुत आगे जा रही हो, पढ़ाना तो है ही नहीं आज, तो आप पढ़ा क्यों जा रहे हैं, पढ़ा क्यों नहीं, पहले ये बताइए। तो सर टाइम तो किसी ने बोला ही नहीं ओवर। समय नहीं बताया वहां पर, लिखा आपने लिखा नहीं है, लगातार इस चीज को रखा गया है। बीच में भी एक बार अनुराग बोल चुके हैं कि निश्चित समय हम लोग को दिया गया, हम लोग को 6 मिनट से ज्यादा नहीं जाना है। 5 से 7 मिनट लिखा हुआ था, मैंने पहले भी बताया 5 से 7 मिनट, और हमने आपको प्रैक्टिस करके भी दिखाया कि देखिए हम लोग कैसे करना है। तो जब आपका होगा तो वहां से क्लास ऑफ करिए ना, आप आगे को जाइए। एक स्किल मतलब एक स्किल, स्किल को समझिए पहले क्या करना चाह रहे हैं। एक स्किल मतलब सिर्फ एक स्किल, आप उस स्किल को पूरा करें फिर वहीं पर रुक जाए। नेक्स्ट स्किल जब बताया जाएगा सिर्फ उस स्किल को करें फिर रुक जाए। सारे स्किल को जब हम मिला देंगे उसके बाद हम लोग टीचिंग करेंगे, इस चीज को ध्यान रखिए। ओ,
ओके और सर। आप क्या कर रहे हो, सब मिक्स कर रहे हो, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रैक से उतर जाना। ऐसे नहीं होता, आपने लेसन प्लान हमको भेजा हुआ है, उस लेसन प्लान में आपको संज्ञा पढ़ाना था, आप संज्ञा के प्रकार पढ़ा रही हैं। सुन लीजिए पहले, आप संज्ञा, आपने लेसन प्लान भेजा हुआ है, आप यहाँ संज्ञा के प्रकार पढ़ा रही हैं, तो इसका मतलब टोटली रॉन्ग हो गया आपका। सर आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं जा रही है, सभी को नहीं आ रही है या किसी एक को नहीं आ रही है, और कोई बताए? क्लियर है सर, आवाज आ रही है, आवाज यहाँ क्लियर है। आपके यहाँ शायद नेटवर्क इशू हो, या नहीं है तो एयरफोन लगा लें। जी सर गुड। ठीक, हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों को जो स्किल है स्किल के अकॉर्डिंग काम कीजिए। आप लोग क्या करें, स्किल के आगे जा रहे हैं, हम को पता है कि आप लोग को बहुत चीज ये पता है, लेकिन हमको सिर्फ ये करना है किस तरीके से करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपका फीडबैक देता हूँ। अनुराग कितना समय लगा इनको बता रहे हैं सर? लगभग 9 मिनट। लगभग 9 मिनट, मतलब जो चीज, रुक जाइए आप सुन लीजिए, आपका समय था तो आप बोल रहे थे तब तक सब लोग सुन रहा था, अब हम लोग का समय है, अब हम लोग फीडबैक दे रहे हैं, उसको कहीं नोट कीजिएगा अपने माइंड पे चाहे कॉपी पे कि हमको करना क्या, अगले समय जब आप करेंगे तो इन चीजों से बचना। सबसे पहले कि आपने बहुत ज्यादा समय लिया, समय का मतलब दुरुपयोग किया सही कहिए तो, क्योंकि अगर ट्रेन से अगर हमको जाना है तो अगर ट्रेन कहते हैं लेट हो गई तो सारा शेड्यूल हमारा खराब हो गया, तो अगर आप बताइए कि ऐसे ही ट्रेन पकड़ना हो और जाए और ट्रेन निश्चित समय से चली जाएगी, 3 मिनट बाद अगर आप जाएंगे तो क्या होगा, वो ट्रेन मिलेगी क्या? नहीं मिलेगा, जिससे सारा चीज क्या हो जाएगा, आपका गड़बड़ हो सकता है। आप अपने वीडियो को ऑन रखें सरिता, बाकी लोग ऑफ करके रखे हुए हैं। दूसरी बात कि एक ही बात को आप लगातार बार बार दोहरा रही हैं, जो क्लासरूम में आप बता रही हैं कुछ चीजों को लगातार आप रिपीट कर रही थी, जबकि रिपीट करने से क्या होता है, जैसे आपको कोई आपके घर में ही हो, भाई हो या अन्य लोगों, बार बार एक ही बात को रिपीट करे तो गुस्सा आता है कि नहीं आता है? जी। बोलते हैं ना कि हमको ऐसे समझा रहे जैसे हम जानते ही नहीं है, अब वही चीज आप कर रहे हो, आप बच्चों को वही काम कर रहे हो, सोचो कि एक ही बात को लगातार अगर आप बताओगे तो बच्चा इरिटेट होगा या पढ़ेगा? इरिटेट होगा, तो फिर तो आपकी बात तो उसको समझ में नहीं आएगी, तो वो सीधा बोलेगा कि मैडम की बात तो हमको समझ में आती नहीं है। तो जब ऐसे क्वेश्चन या ऐसी बातों को रखे तो इस चीज का ध्यान रखे कि बहुत ज्यादा उस बात को दोहराना नहीं है। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो दो चीजों का पहले आप इस चीज को ध्यान दें और अपने कैमरे को सही से सेट करें। बहुत ऊंचाई पर आपने कर दिया है कैमरा और आप नीचे हो गई हैं, तो थोड़ा सा उसको बराबर रखें, ये कोशिश होनी चाहिए हम लोगों की, और हो जाता है, ऐसा नहीं है कोई बड़ी बात। और समय के साथ ध्यान रहे, स्किल को स्किल के अकॉर्डिंग पढ़िए। आपको सभी लोग जानकार हैं, आप लोग सभी लोग ज्ञानी प्राणी हैं, इतने छोटे नहीं है कि आप लोग को बताने की आवश्यकता है, लेकिन जितना आपसे कहा जाए अभी आप सोचिए कि आपको कुछ नहीं आता है, इस चीज को समझ के अगर सीखिएगा तो सभी लोग, मैं आप ही की बात नहीं कर रहा, सबको बोल रहा हूँ कि अगर सभी लोग उस चीज के तरीके से सीखेंगे तो बहुत सी चीजों को सीख लेंगे। शायद हो सकता है कि जो चीज हमको समझ में नहीं आता, जैसे हमको हमारी कमी नहीं समझ में आएगी, लेकिन आप अगर बताएंगे तो आपको वो चीजें हमको समझ में आने लगे, अच्छा सरिता ये चीज बोल रही है तो हो सकता है हमें ये चीज कमी है, हम क्या करें उसको नोट आउट करें, तो ऐसे काम आपका भी है। सरिता अपना रोल नंबर बताएं। रोल नंबर सेवन। तो ध्यान रखने वाली बात आप कि अपने चीजों को नोट कर लेंगे कहीं पर भी, और लगभग प्लान आपका नहीं सही था, आपको मैंने जो प्लान भेजा था आपने भेजा था तो मैंने कहा भी था कि हाँ ठीक है इस चीज को ना, आपको वहीं रुक जाना था, जहां आपका समाप्त वहीं पे आप रुक जाइए, उसके आगे नहीं बढ़ना। सर मेरे पास वॉच नहीं था, तो फिर ना आप वो, मुझे लगा था कि वो अनुराग ना बोलेंगे मुझे कि बस टाइम ओवर। नहीं, वो क्यों बोलेंगे भाई, उनका काम देखना है, वो क्यों बोलेंगे ये बताइए। आपने प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन जो था आपका संभावित उत्तर, वहां तक आपको जाकर रुक जाना चाहिए था, उसके आगे जाना ही नहीं था, आप क्या की लगातार आपने इतना इजी क्वेश्चन बनाया कि सब के सब देते आंसर देते गए, पर आप आगे बढ़ते जा रहे हो, तो नहीं
आप जहाँ रुके हुए हैं वहीं पर रुक करके ठीक है, आपने बता दिया, लेकिन इसके बाद भी बहुत सी चीजें हमको पढ़नी है, हम इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे, करके हट जाइए ठीक है। ओके, सभी लोग इस चीज को ध्यान देंगे, सरिता की बात है, सभी लोग नेक्स्ट कुछ लोग करना चाहते थे तो अभी किसका नंबर था भाई, मैं नाम भूल गया, किसका नंबर था, सरिता के बाद कौन पढ़ाने वाला था, हाथ रिज करे, अपना हाथ उठाए, उसमें चैट बॉक्स में जाकर के दिखाएं बेटा, यहां से सामने से करोगे तो नहीं आएगा। अच्छा, प्रिया विनय पढ़ाना चाहते हैं, आइए आप, प्रिया विनय, सरिता आप अपना हाथ लोअर कर लें अगर आपका हो गया तो, प्रिया विनय पहले अपने आप को ले आए सामने आए। वीडियो ऑन करिए, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, हमको तो नहीं दिखाई दे रहा, किसी को प्रिया विनय दिखाई दे रही क्या भाई, नहीं वीडियो नहीं आ रहा, वीडियो नीचे देखिए आप, जहाँ पे म्यूट लिखा हुआ है, स्टॉप वीडियो लिखा हुआ है, आप वहां पे टच करिए, अगर रेड कलर का अगर क्रॉस लगा हुआ है तो आप उसको खोल दें, आपका वीडियो दिखाई देने लगेगा। नहीं आपका वीडियो नहीं आ रहा है, शायद प्रिया के पास नेटवर्क इशू है, तो प्रिया अगर संभव हो थोड़ी देर बाद कहीं आपके अगल बगल में या फ्रेंड के यहाँ घर में या छत पे कहीं भी अगर ऐसा व्यवस्था हो जहाँ आपके यहाँ नेटवर्क पकड़ता हो सही से, आप वहां जाकर के भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट का काम है, 10 मिनट 20 मिनट का पढ़ा करके फिर आ जाइएगा। तो प्रिया विनय को नहीं ले रहे हैं अभी, उनके यहाँ प्रॉब्लम है, अन्य कोई, नेक्स्ट भाई कौन पढ़ाना चाहता है, कोई नहीं, आकांक्षा, गुलनाज, नीतू, ये लोग कहाँ है भाई, सब लोग पढ़ाने के लिए तैयार था, हाँ कौन पढ़ाना चाह रहा है, नीतू जी सर, ठीक है आइए आप, थोड़ा सा ऊपर रखिए अगर हो सके कैमरे को, ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है, चलिए लिखिए, लेकिन थोड़ा सा नीचे ज्यादा हो रहा है, आपका चेहरा ज्यादा दिखाई दे रहा है और ब्लैक बोर्ड जो बोर्ड है आपका वो कम दिखाई दे रहा है। हाँ तो सभी लोग कोई भी हो सेट कर लें सही से, कोशिश कीजिए सेट करेंगे जितना, आकांक्षा तो शायद तैयार है, आकांक्षा कुमारी तैयार है आप, बोर्ड देख रहे हैं सब सेट हुआ कि नहीं। अच्छा अच्छा ठीक, करिए सब लोग सेट कर लीजिए जिसको भी, विनय प्रिया का अभी आया हुआ है वीडियो और ऑडियो ऑफ है, प्रिया विनय का सॉरी, लेकिन हाँ नेटवर्क है, अभी भी आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी, तो आप कहीं दूसरे स्थान को चूज करें सर, वो उधर बारिश हो रही है। अच्छा वो कोई बात नहीं है, चलिए नीतू को पढ़ाने दीजिए, चलिए नीतू आप पढ़ाइए, ठीक है उतने पर ही पढ़ाइए जितना है, और एक लोग अनुराग टाइम नोट करिएगा सर, जी सर ठीक है, चलिए नीतू स्टार्ट कीजिए आप। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर ऑल ऑफ यू,
सो आज मैं पढ़ाने से पहले सबसे पहले आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करना चाहती हूँ. मेरा क्वेश्चन है कि हम लोग अभी कहाँ बैठे हैं? आकांक्षा आप बता सकती है? यस मैम. हाँ, हम लोग अभी कहाँ बैठे हैं? अभी रूम में. अच्छा रूम में, वेरी गुड. अच्छा रूम में गुलनाज, मेरा क्वेश्चन आपसे है. हेलो. यस. हेलो गुलनाज. रितिका. हेलो प्रिया. विनय प्रिया. हेलो प्रिया, क्या नेटवर्क इशू है? बोल रही है, कौन बोल रही है? आप लीजिए ना उनसे. प्रिया, विनय प्रिया. हेलो सर, आवाज नहीं आ रही क्या? सर आवाज आ रही है आपकी. विनय प्रिया कहें प्रॉब्लम है, किसी और से ले लीजिए. मनोरमा जी, हम लोग कमरे में कैसे जाते हैं? हम लोग कमरे में कैसे? दरवाजे से मैम, दरवाजे से. ओके. मेरा क्वेश्चन है रिति, दरवाजे को हम कैसे खोलते हैं? काजल कुमारी मैम, दरवाजे को मैम धक्का देकर. अच्छा धक्का देकर, धक्का देकर. ओके गुड. देन मेरा अगला क्वेश्चन है, धक्का या खिंचाव किसे कहते हैं? गुलनाज. क्वेश्चन फिर से पूछिए. गुलनाज, धक्का या खिंचाव किसे कहते हैं? मनोरमा जी, धक्का या खिंचाव किसे कहते हैं? नो नो आइडिया मैम. हम जो अपनी तरफ से बल लगाते हैं, जो क्रिया करते हैं, उसे कहते हैं धक्का, पुश करना. ओके गुड. कुमारी बता सकती है बल किसे कहते हैं? बल का मीनिंग क्या है? बल एक बल एक जैसे कोई वस्तु विराम अवस्था में है और उस पे हम अपने तरफ से एक फोर्स लगाते हैं, मींस धक्का दे रहे हैं, किसी चीज को पुश कर रहे हैं और वो उस चीज पे जाके काम कर रहा है. जैसे वो वस्तु एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जा रहा है या फिर हिल रहा है, उसी को हम बल कहते हैं. मतलब हम अपने तरफ से उसमें ऊर्जा दे हट कर रहे हैं. अच्छा और कोई बता सकता है बल किसे कहते हैं? ठीक है कोई नहीं. ठीक है आज हम लोग जो उन्होंने बताया उसके अलावा और कोई बता सकता है कि बल किसे कहते हैं? ठीक है आज हम बल के बारे में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे कि बल क्या होता है. ठीक है. हेलो. ओके थैंक यू. बल को लिखिए आप. जी सर मैंने लिखा है. पहले क्यों लिखा था? अभी लिखना था ना ऊपर जा करके. ठीक है आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे. प्रकरण के नीचे नीचे का मिटाइए उसको, इसको मिटा करके ऊपर रखिए जहाँ टॉपिक है आपका. हाँ जहाँ टॉपिक है टॉपिक के पास लिखिए. टॉपिक के सामने लिखिए ना, जगह तो है.
बल और उसको करके उसको अंडरलाइन कीजिए सर, कर दिए पूरे। हाँ तो ये होना चाहिए, नीचे नहीं लिखना है और नीचे के फिर उसके बाद हटने से पहले उसको मिटाइए। आप लिखते चले गए, मिटाना कुछ नहीं हुआ है आपके, नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है। अब आ जाइए सामने रहिए, बाद में मिटा लीजिएगा। फर्स्ट बात, सभी बच्चे ये ध्यान देंगे, देख रहे हैं कि सब लोग जो व्हाइट बोर्ड है वो बोर्ड खरीद करके लाए हैं। भाई कहा गया था आप लोगों से कि आप लोग को इतना पैसे लगाने की आवश्यकता थी ना, रोलिंग बोर्ड आता है व्हाइट में जो कि मुश्किल से मार्केट में 50-60 रुपए का मिलता है, या ब्लैक बोर्ड होता है जो रोलिंग बोर्ड में आप उसको खरीदते हो 20 रुपए के मुश्किल से मिल जाता है, आप चौक से उसको लिख सकते थे। तो आपको ये खरीदना था सर, वो मेरे घर तो पहले से था, तो उसी पे कर देते, खरीदने की आवश्यकता थी। नहीं खरीदा हुआ नहीं, मतलब मेरे घर में ऑलरेडी टीचर। अच्छा पहले है जिसके में, चलिए ठीक है, जिसको भी हम देख रहे हैं सब लोग जिनके पास नहीं हो वो इतना पैसा नहीं लगाएंगे क्योंकि ये चीज नहीं होता है। अब नीतू अपना फीडबैक लेंगी। जी सर। सबसे पहले अनुराग जी। सर 6.5 मिनट। 6.5 मिनट, चलिए समय तो लगभग ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा अगर कंट्रोल करेंगे तो हो जाएंगे। और फीडबैक मैं बोल रहा हूँ, नीतू कहीं नोट करना है तो नोट कर लें आप, या तो समझ लें इस चीज को कि हाँ ये चीज आपसे कहा जा रहा है। मैं प्रश्न को जानना चाहती हूँ, प्रश्न नहीं मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ, ठीक है। प्रश्न को क्या जानेंगे, प्रश्न तो आप पूछ ही रहे हैं, प्रश्न तो आप पूछ ही रहे हैं, तो आप तो उनसे कभी भी लेंगे तो आप तो उससे संबंधित रिलेटेड उत्तर लेंगे ना, तो कौन सा वर्ड बोल रहे हैं आप इस चीज को ध्यान दें, ठीक। दूसरी बात, पहले किसी स्टूडेंट को खड़ा नहीं करवाना है, आप क्या कर रही थी पहले स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ रहे थे, अच्छा हाँ तुम बताओ ये, जबकि मैंने कहा था पहले आप क्वेश्चन पूछ लीजिए आराम से, क्वेश्चन के बाद किसी स्टूडेंट का नाम लेकर के आप उससे उत्तर लीजिए, क्लियर है। थर्ड मेरा क्वेश्चन है, ठीक है इस चीज को ध्यान रखना है, मेरा क्वेश्चन है मतलब हर क्वेश्चन के बाद आप एक क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन है जी नहीं, अच्छा ठीक है ये बताइए कि ये क्या होता है या ये क्या होता है, आप इस तरीके से पूछिए, मतलब उसको अपनापन लगे जो हमारी भाषा है वो कैसी है, बहुत ही इतनी डिफिकल्ट है जिससे बच्चा ये सोचेगा कि अरे मैडम मारने आई है हमको कि पढ़ाने आई है, उसका जो मानसिक स्तर है वो चेंज हो सकता है इस चीज को हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात, अपने हाव भाव को थोड़ा सा सही रखिए, हाव भाव आपका बहुत ही ऐसा लग रहा है कि आप मार झगड़ा करने जा रही हैं, गुस्सा होकर के बच्चों को कर रही हैं, तो थोड़ा सा चेहरे पे जो हाव भाव होता है वो ऐसा फ्रेंकली हो या फ्रेंडली हो जिससे कि बच्चा ये समझे कि हाँ मैडम हमको पढ़ाने हैं, और बड़े खुशी से है। देखते हैं बच्चे या आप लोग खुद ही हो, आप किसी टीचर का नाम लिखते हैं, ये टीचर बहुत खड़ूस है, ये टीचर ये है, या इन टीचर का ये नाम हम रख देते हैं, रखते हैं कि नहीं रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। रखते हैं ना, तो वो क्यों रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजें उनसे मैच खाती हैं, करते हैं ना नीतू हम लोग, अपने अपने समय को ले जाइए बचपन में, थोड़ा सा अपने आप को पीछे ले जाइए, तो ये काम हम लोग स्वयं करते थे, तो ये चीज से हमको क्या करना है, बचना है, क्योंकि हमारा हाव भाव ऐसा रहेगा तो बच्चा पक्का कुछ ना कुछ नाम रखेगा, और नाम इतना अच्छा रख देगा ना जो इसकी हम लोग कल्पना नहीं करते हैं, तो इन चीजों से हमको क्या करना है, बचना है। प्रश्न करने जब आप कर रही थी तो स्पीड आपकी थोड़ी ज्यादा थी, ध्यान रखने वाली बात क्या है, स्पीड को थोड़ा सा कम रखना है, मतलब अक्सर ये हो रहा था कि आपको प्रश्न को 2-3 बार बोलना पड़ रहा था, क्यों, क्योंकि आप थोड़ा स्पीड बना करके चली थी, तो स्पीड को थोड़ा सा ब्रेक दीजिए, मतलब दो शब्दों के बीच का जो गैप होता है वो थोड़ा कम करिए, कोशिश कीजिएगा बहुत अच्छे से कर सकती हैं, और जब आप पढ़ा रही हैं और कुछ बात हो रही है तो अपने दोनों होठों को दबा ले रही हैं, ऊपर वाले से नीचे बेचारे को दबा ले रही है, इतना कस के दबा रही है चाहे कट के बाहर चला आए, ये हैबिट है, उस हैबिट को दूर करना है क्लासरूम में एज ए टीचर। आप घर में थी क्या करती थी हमको नहीं पता है, और अभी भी आपकी हैबिट है, जैसे आप अभी देखिए कि आप अपने सर को पकड़ रही हैं, जी नहीं क्लास में ऐसी चीजें नहीं होगी, ये जो छोटी छोटी बातें हैं इन्हीं को बचाना है, पढ़ना तो सब जानता है पढ़ाना भी सब लोग जानता है, इन चीजों से हमको क्या करना है, दूर रखना है, थोड़ा मोमेंट जैसे इधर उधर घूमना, अभी आप है ना तो एक जगह नहीं खड़ा हो पा रही है, देखिए अपने आप को कभी आगे जा रही है कभी पीछे जा रही है, कर रही है ना इस चीज को नीतू, तो वो मोमेंट से हमको बचना है, क्यों,
क्योंकि अगर आप मूवमेंट करते रहेंगे तो करते करते ऐसा होगा कि आप ब्लैक बोर्ड के सामने आ जाएंगे, और ब्लैक बोर्ड के सामने आ जाएंगे तो ब्लैक बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है वो बच्चे को नहीं दिखाई देगा, तो बच्चा आपको टोकेगा क्लास में, जिससे कि बहुत सी चीजें होती है, दोनों हाथों को बांध लेती है, चाहे अभी देखिए पीछे बांधी है या तो आगे बांध लेती है, करती है ना इस चीज को, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं टीचिंग में, देखिए अभी भी मुंह को वही है, ओठ को दबा कर रखी है जब हो रहा है, इन चीजों को नहीं करना, इन चीजों से बचना है, ना सर पे हाथ रखना है, एज ए एक फ्रेंड, मतलब जैसे हम लोग जनरली एक तरीके से रहते हैं, उस चीज को करना है क्लासरूम में। ये छोटी छोटी जो चीजें हम बता रहे हैं वो बच्चा ऑब्जर्व करता है, हम नहीं ऑब्जर्व करते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे ऑब्जर्व करते हैं कि इस मैडम की ये आदत है, इस मैडम की ये आदत है, और उससे कह दीजिए कि आपका नकल करे तो वो देखिए कितना अच्छे से करता है। तो ये कमियां हैं, इन कमियों को दूर करना है, मतलब ये जनरली आप करती हैं, तो इन चीजों से आपको क्या करना है, बचना है एज ए टीचर। क्लियर है नीतू? ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, अन्य कोई, किसी को और ने जो लोग हैं आपके फ्रेंड में ही, किसी को अन्य कुछ लगता है कि आप भी फीडबैक दे सकते हैं तो आप भी दे सकते हैं आप लोग के द्वारा, कि और क्या इनको सुधार की आवश्यकता है। कोई नहीं बोलेगा, सब जानते हैं कि अगर हम बोलेंगे तो हमारा नंबर आएगा तो ये बोलेंगी। चलिए ठीक है, नीतू आप अपना जो हैंड है उसको नीचे कर लें। गुलनाज शायद तैयार है, सामने दिखाई दे रही है, अपने आप को अनम्यूट करें गुलनाज। ठीक है गुलनाज, चलिए स्टार्ट कीजिए। हाँ हाँ दिख रहा है, हमको आपका चेहरा नहीं, ब्लैक बोर्ड देखना है। ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा है पहले ब्लैक बोर्ड पे मिटाओ जो कुछ लिखा है, टाइम वाइम उसको मिटा दीजिए, एकदम नहीं चाहिए हमको, फिर से लिखिए आप। सर वो सब मिटा दे। हाँ सब मिटा कर फिर से लिखिए, हम देखेंगे, खुद से लिखिए कि दूसरे से लिखवाइए। ओके सर, खुद से लिखे हैं, कैसे पता चलेगा हमको। ओके सर मिटा देते हैं। हाँ नहीं है तो नीचे लिखिए वहीं इसके। ओके देखिए कोई है पीछे लगा भी हुआ है, कोई मिटा, बट आप जब कहेंगे तब स्टार्ट होगा। ओके सर। मतलब सर जब हम स्टार्ट करेंगे तो पूरा दिखना चाहिए। आप शुरू करिए बस, आप अपने बोर्ड पे आई, बस ठीक है अब यहीं से शुरू करिए, बोर्ड को सही करिए थोड़ा सा, बोर्ड नहीं कैमरे को, कैमरे को बोर्ड को दिखाइए, आप आगे आ जाइएगा जब आवश्यकता होगी तो, बोर्ड पूरा दिखाई दे बस। ठीक है ठीक है, बस बहुत ज्यादा नहीं, मोमेंट नहीं ज्यादा। ऐसे है ना, ऐसे पकड़ के हिलाइएगा नहीं ज्यादा वरना मेरा मार्क्स कम हो जाएगा। ठीक है। अरे नहीं भाई मार्क्स नहीं कम होगा, उसको डराओ मत, जो पकड़ा भी है उसको डरा भी रही हो। सर दिख रहा है सर? हाँ दिख रहा, थोड़ा तिरछा है, सीधा करिए कैमरा, थोड़ा सा इधर अपने लेफ्ट साइड में जाइए, जो भी कोई पकड़ा हुआ है लेफ्ट साइड में और जाए, इधर लेफ्ट लेफ्ट साइड, जो पकड़ा हुआ उसके लेफ्ट साइड। हाँ सर इधर ही हो रहा है। हाँ हाँ चलिए ठीक है, इतने पे चालू कीजिए, ठीक है रहने दीजिए। अनुराग स्टार्ट, चलिए टाइम ठीक, ओके चलिए स्टार्ट कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स,
बच्चों आप मेरा क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए तैयार हैं? एनीवन? नीतू? नीतू बोलिए मैम। हम लोगों को सांस लेने के लिए किस किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? प्रिया anyone else? हवा से मैम। प्लांट लो पेड़ पौधे से पेड़ से पेड़ पौधे प्लांट के पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण से सन से एनर्जी लेकर। प्रकाश से है ना? कौन सा प्रकाश से? सूर्य का प्रकाश। ओके और भोजन के पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया का क्या नाम है? प्रकाश संश्लेषण। समान आंसर प्रकाश संश्लेषण क्या है इसे परिभाषित कीजिए। मैम सन सन प्लांट जो है वो सन से एनर्जी लेते हैं और उसी एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं वो। ओके वेरी गुड। बनाने के लिए इसी को हम फोटोसिंथेसिस और प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। एनीवन एल्स? भोजन बनाने की पेड़ पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वेरी गुड। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। सर डन। हेलो सर। हेलो अनुराग आवाज जा रही है? यस सर। अनुराग कितना टाइम हुआ है गुलनाज का? ये 4 मिनट ये 16 सेकंड। 16 सेकंड कितने 16 सेकंड से सुनाई दिया और आगे का बताइए। 4 मिनट 16 सेकंड सर। हेलो हेलो। हाँ हाँ अनुराग। 4 मिनट 16 सेकंड सर। 4 मिनट 16 सेकंड ना, ठीक है। अच्छा एक पहले ये चीज को सुन लीजिए, अगर संभव ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो लिंक है वो रुक जाए कुछ देर के लिए, तो आप लोग पुनः दोबारा फिर उसी लिंक से जुड़ जाइएगा, ठीक ना। 40 मिनट बाद रुक जाएगा तो आप फिर उसी लिंक से 1 मिनट बाद आधे मिनट बाद फिर आप तुरंत वापस उसी लिंक से जुड़ जाएंगे सभी लोग। गुलनाज अब आप देख लीजिए, पहले बोर्ड ब्लैक बोर्ड पे ही देख लीजिए, वही दिखा देते हैं आपको। आपने देखिए पेड़ पौधे वर्ड सही लिखा हुआ है? सॉरी सर गलत है। सही करिए उसको। हाँ उसको सही करिए। और पूरा प्रकाश संश्लेषण को अंडरलाइन कीजिए। ठीक है। इसके बाद विषय आपने लिखा विज्ञान, प्रकरण लिखा आपने, और उसके बाद समय आपने लिखा नहीं,
जो ब्लैक बोर्ड वर्क था आपका पूरा नहीं है, जो लिखना था सब चीज, ठीक है। और प्रश्न जब आप पूछ रही थी तो प्रश्न का जब उत्तर मिल रहा था तो ऐसे लग रहा था कि आप, आपने उत्तर जब लिया तो बहुत, आप पहले सामने आइए, अब उसको छोड़ दीजिए, आप सामने आइए बस। ओके सर। जब आप उत्तर ले रही थी तो आपका जो हाव भाव था ऐसा लग रहा था कि किसी ने उपकार कर दिया आप पे, आप जैसे किसी ने उत्तर दिया कि प्रकाश संश्लेषण होगा या होगा, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बस इतना ही वर्ड यूज कर रही थी ना, कि कुछ और कर रही थी, कोई आंसर दे रहा था तो क्या बोल रही थी? सब बोले तो कैसे बोले थे, वही तो हमको पूरा क्लियर नहीं समझ में आ रहा है आपका, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, थोड़ा फिर से बोलिएगा एक बार तो। सर क्या फिर से बोले? जो आंसर जो बच्चे दे रहे थे तो आपका रिप्लाई क्या होता था आंसर के बाद? सर हम बोले थे वेरी गुड। वेरी गुड तो हम तो सुने नहीं। सर हम बोले एक बार हमको याद है। एक बार, अच्छा अच्छा, और बाकी टाइम शायद ओके बोले थे एक बार। जी नहीं, आपका जो रिप्लाई था आप देख लीजिएगा कि बहुत ही आसान, मतलब हाँ ठीक ठीक, उसके बाद डायरेक्ट बोर्ड पे, मतलब जो आप इन चेहरे का भाव था आपका वो ऐसे लग रहा था कि बस उसने उत्तर दे दिया और हमने क्या किया, सुन लिया, जबकि बच्चों को ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए बच्चे जब उत्तर देते हैं, छोटे बच्चे, हमको किसको पढ़ाना है, छोटे छोटे बच्चे को, और छोटा बच्चा क्या होता है, जैसे उसकी कॉपी पे गुड मिल गया, वेरी गुड मिल गया या कुछ मिल जाता है, वो कैसे होता है, उछलता हुआ घर पे आता है और बोलता है देखो हमको वेरी गुड मिला है, आज हमारी मैडम ने हमको ये चीज किया। तो आपका जब बच्चा क्लासरूम में अगर आपका उत्तर दे रहा है तो थोड़ा सा आपका जो चेहरा हो उसके तरफ जैसे स्माइल हो, आपका जो चेहरा स्माइली हो कि आप उसको लगे कि नहीं मैडम, मतलब मेरी जो प्रश्न है, मेरा जो जवाब था उस प्रश्नों से क्या है, मैडम खुश है। अब आपने वैसे चेहरा बनाए रखा जैसे सामने वाला है वैसे आप बन गए, तो फिर आपका और उसमें कुछ नहीं कहा। और जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन को थोड़ा सा आराम से पूछ, आराम से बोलिए। देखिए आपने 4 मिनट 16 सेकंड में खत्म कर दिया, जबकि आपको जाना कहाँ था, लगभग 6 मिनट तक, मतलब जितना जाना है उसको ऐसा ट्रेन का स्पीड बढ़ाया, जाना था कि भाई चलो 4 मिनट में हमको पहुंचना है, आपने 2-2.5 मिनट में आपने उस ट्रेन को पहुंचा दिया दौड़ा करके, चाहे बाकी लोग छूट जाए, कोई स्टेशन पे बैठे, गाड़ी पे बैठे चाहे नहीं बैठे। तो कभी भी एज ए स्टूडेंट, मतलब एज ए पीपल टीचर, इस चीज का ध्यान रखना है कि जो वर्ड मीनिंग है हमारा, मतलब जो वर्डों को हम बोलते हैं उसमें थोड़ा सा गैप हो दो शब्दों के बीच में। जैसे अगर बहुत जल्दी बोल दें, जैसे हम कहें हाँ गुलनाज क्या करती हो तुम, घर से खाना वाना खाई कि नहीं, कुछ खाई बताओ, ठीक है ना सब कुछ, सब समझ में आ गया गुलनाज को तो। और एक चीज है, और गुलनाज कैसी हो, खाना खाया नहीं बेटा आज भोजन किया आपने, इस काम को आप कल करके आना, दोनों वर्ड हम एक ही चीज बोल रहे हैं, लेकिन स्पीड ज्यादा होने की वजह से हमने उस वर्ड को जल्दी खत्म कर दिया, तो सामने वाले को ऐसी परिस्थिति में होता है कि वो बातें समझ में नहीं आए। तो ये ध्यान रखना है कि जब नेक्स्ट बार आप करेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट बार में इस चीज को ध्यान रखेंगे, थोड़ा आराम से एक बार प्रैक्टिस कीजिए घर पे या कैसे ही, देखिए कि निश्चित समय में हम पूरा कर लेते हैं कि नहीं, कोई भी प्रैक्टिस स्किल हो, जो नेक्स्ट अगर स्किल होगा तो इस चीज में हमको ध्यान देना। क्लियर है गुलनाज? पंखा चला लीजिए, अगर एक दो और टॉपिक है तो अगर टाइम मिलेगा तो कर सकते हैं। हाँ 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 कर सकते हैं, टाइम मिलता है तो देखते हैं कितने लोग करते हैं, आज ही कर देंगे, ठीक है। ठीक ओके, गुना रोल नंबर कितना है आपका? 22 ओके ठीक है, बहुत अच्छा रहा, ठीक। नेक्स्ट कोई भाई कौन है? आकांक्षा चलिए आइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स,
आकांक्षा का वीडियो दिखाई दे रहा है भाई सबको? नहीं दिख रहा सर। सर हाँ अभी को दिखाई दिया। चलिए ठीक 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 आज हम पढ़ेंगे लोग साइंस सब्जेक्ट से सर की कोई जैसे कोई भी वस्तु हम लोग गिराते हैं तो नीचे क्यों गिरता है। हेलो हेलो काजल हेलो हाँ आवाज आ रही क्यों किसी के पास नहीं जा रही क्या रिप्लाई दीजिए। जैसे हम लोग कोई भी वस्तु गिराते हैं तो नीचे क्यों गिरती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भारी की वजह से। भारी की वजह से काजल जी मैम वीडियो दिख रहा है? जैसे नीचे क्यों गिरती है ऊपर क्यों नहीं क्यों गिरती है ऊपर क्यों नहीं वीडियो ऑन हो गया। भारी की वजह से मैम जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिरती है भारी की वजह से नहीं गिरती है। हेलो मैम मेरा हम आंसर दिए थे गुरुत्वाकर्षण बल। ओके वेरी गुड गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जैसा कि बच्चों आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के ही पढ़ाई पढ़ेंगे लोग इसके विस्तृत जानकारी देंगे आज हम गुरुत्वाकर्षण बल पे तो इस पे आप लोग सब ध्यान दें। इसे गुरुत्वाकर्षण बल का प्रतिपादन खोज किसने किया था इसका? हेलो नगमा हेलो न्यूटन ने। न्यूटन ने ओके वेरी गुड सर हो गया सर। हो गया तो उसको लिखो उस पे ब्लैक बोर्ड पे लिख करके उसको अंडरलाइन करिए। बताए तो गुरुत्वाकर्षण बल पे ही आज जैसे कि पढ़ाई समझाएंगे सर। समझाना है ही नहीं आज समझाने की बात ही नहीं आज आगे सर। का स्किल में तब बताएंगे उसको अंडरलाइन कीजिए पहले जो आपका टॉपिक निकला है। जी सर। रोल नंबर कितना है आकांक्षा आपका? 37 सर। 37 अनुराग 4 मिनट सर 4 मिनट देखिए कितना स्पीड है आप लोगों के पास मतलब जितना टाइम मिल रहा है उसके
आकांक्षा वीडियो ऑन नहीं रखे, वीडियो आपका कहाँ चला जा रहा है बीच बीच में? सर ऑफ नहीं, तो ऑफ मत करिए, आपसे ही बात करना है। और पहले तो स्पीड बहुत ज्यादा है आपकी, स्पीड कम करिए। यस सर। ठीक है, और चलिए अच्छा, अभी मैं नहीं दे रहा हूँ आपको फीडबैक, आपके फ्रेंड देंगे, एक एक का नाम मैं बता रहा हूँ, वो देंगे। अनुराग। यस सर। एक फीडबैक आप दीजिए, आपके अनुसार इनको क्या सुधार की आवश्यकता थी जो पढ़ा रही हैं ये? यस सर, स्पीड से थोड़ा बोल रही हैं मैम। ये तो बोल रहे हैं, और बाकी कुछ? और सर थोड़ा सा आवाज ये कम है सर। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है, आवाज कम है। अब सोचिए कि यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, चलते तो है। आपको लग रहा है ऐसा ना? जी सर। आप सोचिए कि आपके क्लास में 50 बच्चा होगा, 40 बच्चा होगा, पूरा कॉलेज मतलब स्कूल भरा होगा, उस जगह आपको पढ़ाना होगा, और जिस आवाज से आप बोल रही हैं, जिस स्पीड से बोल रही हैं, आप बैठ जाइए कहीं, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं इस समय, तो अगर वहां पे ऐसे बोलेंगी तो कभी भी पीछे तक आवाज नहीं जाएगी आपकी, पीछे तक आवाज अभी लग रहा है आपको ना, अगर जाता तो आपको ऐसा फीडबैक नहीं मिलता। नेक्स्ट और कोई बताएं, अनुराग के बाद कोई जुड़ा हुआ है 456055 करके, कौन है भाई इस नंबर से, इस नाम से 456055? नहीं बोलेंगे। सरिता, सरिता कुमारी, सरिता कुमारी आवाज जा रही है? नहीं बोलेंगी। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अंदर से डर लग रहा है आकांक्षा? yes. थोड़ा सा पहले बैठ जाओ आप आराम से, मोबाइल अपने पास ले लो, अब कोई दिक्कत नहीं है, बैठ करके आराम से कहीं से बात करो। yes, sir. कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ कि आपको डर लग रहा है अंदर से क्या? नहीं सर, डर नहीं लग रहा। नहीं तो, लेकिन चेहरे से तो ऐसा लग रहा है, अभी देखा कितने अच्छे से आप हंस के बात कर रहे हो या कोई चीज लग रहा है, लेकिन जब पढ़ा रहे थे तो आप अंदर से नर्वस टाइप आपका लग रहा है चेहरा, तो इस चीज से हमको क्या करना है? एक्चुअली सर आपको भेजे थे ये वाला सर, तो हमको समझ में नहीं आया था सर, तो अभी सर सबको एक देखे हैं तो समझ में आ गया सर कैसे करना है। हाँ तो बात यह है कि अब आप लोग कॉलेज के टाइम पे फोन करोगे, कल से कहा जा रहा है मतलब उसके पहले से भी चल रहा है, तो आप लोग फोन या मैसेज करोगे बेटा तभी ना हम लोग कर पाएंगे, एट ए टाइम आप करोगे तो कहाँ से हम लोग सब कुछ कर पाएंगे, बाकी काम हम लोग भी करते हैं। अब अभी कोई मैसेज भेज करके कहे सर हमारा प्लान चेक कर दीजिए, तो अभी कैसे प्लान चेक करेंगे? अभी हम आपको फीडबैक दें, आपको देखें या प्लान चेक करें, वो संभव नहीं हो पाता है, तो इन चीजों को ध्यान रखें। थोड़ा सा आवाज ध्यान मेन, क्योंकि टीचिंग में बहुत मायने रखता है स्पीड, आवाज में फ्रीक्वेंसी होना, नीचे ऊपर अप डाउन करना, नर्वस आप नहीं रहें, और समय का ध्यान रखें। समय बहुत जल्दी आपने खत्म कर दिया, उस हिसाब से आप नेक्स्ट बार टीचिंग करते समय इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन पढ़ाएगा भाई? अनुराग आप पढ़ाएंगे? सर मेरा रेडी नहीं हुआ, प्लस ब्लैक बोर्ड भी नहीं है अभी, कल तक मैं पढ़ाएंगे सर। कल तक ये फिर दूसरा स्किल होगा, फिर तो यहाँ मतलब नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। मनोरमा साथ पढ़ाना चाहती थी, उनके पास ब्लैक बोर्ड नहीं था, तब भी हम उनको ले रहे हैं। मनोरमा यस सर। हाँ वीडियो पहले ऑन कीजिए अपना, और दिखाई दे रहा है सबको? क्या प्रॉब्लम है आपके पास? ब्लैक बोर्ड नहीं है जो व्हाइट बोर्ड है? यस सर। कोई बात नहीं है, पेन कॉपी है आपके पास? पेन कॉपी है आपके पास? पेन कॉपी ले लीजिए। यस सर। और वीडियो अपने तरफ ना करके कैमरे को घुमा दीजिएगा, आप वहां से लिखना शुरू कीजिए। अनुराग आप टाइम चेक करेंगे इनका? यस सर।
अरे एक मिनट, अभी भी एक मिनट चाहिए। यस सर, आप पहले से तो प्रिपेयर रहिए भाई सब लोग। और कोई कोई है इनसे पहले पढ़ाने के लिए तैयार हो? रितिका पांडे हैं यहाँ पे और श्वेता रानास, कोई तैयार है यहाँ पे? अशोक है, निधि है, कोई भाई प्रिपेयर हो तो बताएं जल्दी। दूसरे का देख करके सिर्फ यही होगा कि लड्डू मिल रहा है और चला गया। ये चलेगा? क्या हुआ मनोरमा, रेडी हो गई? यस सर, गुड मॉर्निंग। चलिए गुड मॉर्निंग, चलिए शुरू करिए। हमको मत बोलिए, अब आपके पास स्टूडेंट है, स्टूडेंट अब सभी लोग भाई रिप्लाई देंगे जो भी कोई पूछेगा। अपने पहले पेन और कॉपी को दिखाइए, पेन को कॉपी पे लिखेंगे आप तो पेन कॉपी पे दिखाई देना चाहिए, जैसे डायरी में कोई इसी चीज को नोट करती है वैसे लिखिए सारी चीजों को। वीडियो सबको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। पहले मनोरमा अपना वीडियो ऑन करें, आप अनम्यूट है पहले अपने आप को। अरे अनम्यूट है, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ठीक, अब वहां पर लिखते जाइए जो चीज लिखना है उसके बाद करिएगा सामने। मनोरमा की वीडियो आ रही भाई सबको? आकांक्षा, काजल, अनुराग, मनोरमा की आवाज आ रही क्या कुछ भी? नहीं सर। मनोरमा आपकी आवाज भी नहीं आ रही है, ना ही वीडियो आपका शो कर रहा है। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वीडियो ऑन करिए पहले सर। सामने वाला? हाँ हाँ भाई, हाँ ठीक है बोलिए। अब लिख रही तो दिखाई दे रहा है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? रिप्लाई दीजिए भाई। आज आप लोग से क्वेश्चन करना चाहते हैं, क्या आप उस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा? ठीक है, वीडियो दिख नहीं रहा। आप बता सकते हैं कि हम लोग को शुद्ध हवा कहाँ से मिलता है? पूछिए, नाम लेके पूछिए, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। हेलो काजल, क्या आप बता सकते हैं कि शुद्ध हवा हम लोगों को कहाँ से मिलता है? आकांक्षा, हेलो,
जी मैंने जिस क्वेश्चन को पूछा क्या आप उसका आंसर बता सकते हैं? पेड़ पौधों से मैम। पेड़ पौधों से। गुड, वेरी गुड। बताइए हम लोगों ने पेड़ पौधों को सभी को देखा है, हमारे आसपास होते हैं? यस मैम। श्वेता अपने पेड़ पौधे देखा है? जी। पेड़ पौधों को आपने देखा है? हाँ जी देख लो। आप क्या बता सकते हैं? क्या बोले? कितने पार्ट्स उसमें, कितने अंग होते हैं उसमें? मेनली थ्री पार्ट्स होते हैं, जड़, तना, फूल, पत्ती, चार पार्ट। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो हम लोगों ने देखे हैं और उसमें हम लोग को पता है कि उसमें बहुत से भाग होते हैं। आप बताइए उसमें कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं? कृष्णा कुमार सिंह, सॉरी गुलनाज। Yes, ma'am. गुलनाज आप बताइएगा कि उसमें मुख्य मुख्य भाग कौन से होते हैं? पूरा पौधा का या फिर पेड़ पौधे का? हाँ, एक पौधा का, एक पौधा का मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? जड़, तना, पत्ते, फूल, फल। ठीक है, आप लोग फूल को, एक पौधे का फूल को देखे हैं? यस मैम। आज हम लोग फूल का मतलब पेड़ पौधे का प्रत्येक भाग होते हैं, उसका विशेष महत्व होता है, विशेष काम होता है। तो आज हम लोग फूल के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। थैंक यू। चलो हो गया मनोरमा आपका। यस सर। गुलनाज कहाँ? गुलनाज, गुलनाज जम्मा। यस सर। फीडबैक दीजिए इनको। सर थोड़ा मतलब हिचक रहे थे थोड़ा सा। अच्छा, ध्यान रखिएगा मनोरमा जी। यस सर। हाँ क्या बोल रही हैं? हिचक रहे थे लेकिन इनका थोड़ा सा डर टाइप का लग रहा था सर। हाँ सर, सामने स्टूडेंट्स या फिर कोई बड़े स्टूडेंट्स बैठे हो तो थोड़ा सा हेजिटेशन होता है। और कुछ गुलनाज और बताइए, एक ही फीडबैक है? श्वेता राणा बोलना चाहती है, श्वेता राणा बोलिए। तो सर मेरे पास ब्लैक बोर्ड की सुविधा नहीं है। कोई बात नहीं, हम तो फीडबैक मांग रहे हैं, फीडबैक दीजिए इनका, मनोरमा का। फीडबैक अच्छा था। अच्छा अच्छा था। आज तक तो अभी हम तो किसी के बारे में ये सुने ही नहीं कि अच्छा हो सकता है। पहले दिन पढ़ा रहे, पहला दिन अच्छा है तो फिर खराब क्या है? फिर तो उनको टीचिंग करने की सिखाने की आवश्यकता ही नहीं है। सर फर्स्ट दिन था, वो खुद बोल रही है कि हेजिटेशन था। और सर हम सुन नहीं पाए, थोड़ा हट गए थे। हाँ तो ये गलत काम है ना, सुनोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। सर हेडफोन लाने गए थे सर। अच्छा, अनुराग। यस सर। सर इनका टाइम कितना लगा था? टाइम टाइम था ये 5 मिनट सर। 5 मिनट? जी सर 5 मिनट कुछ सेकंड था।
पाँच मिनट कुछ सेकंड में आपने पूरा किया, तो चलिए वो बहुत ज्यादा इशू नहीं है। फर्स्ट मैं बोल रहा हूँ, आपको सुनिएगा क्या क्या मेरे हिसाब से। अनुराग आपने भी कुछ लिखा है क्या, या कुछ आपको ऐसा लगता है कि इनके पास इनका फीडबैक है? सर इनके ना वीडियो नहीं दिख रहा था तो। अच्छा चलो, वो तो भाई नेटवर्क और ये सब समस्या है, अन्य कोई बताइए, ये तो भाई टेक्निकल प्रॉब्लम है थोड़ा सा। जी सर, अन्य कोई? जी सर, सब में हमको भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है ना सर, अभी तो क्या बताएंगे आप फीडबैक। कोई बात नहीं, अरे जो कमी आपको लगता है वो बता सकते हैं ना, आपके देखिए फ्रेंड है सब लोग, एक साथ एक क्लासमेट है आप लोग, तो आपस में जानते हैं, जो टीचर से ज्यादा आप लोग आपस में बता सकते हैं। जैसे कोई दोस्त होता है, दोस्त को सारा कमी भी पता होता है, सबसे अच्छाई भी पता होता है, लेकिन टीचर को नहीं पता चलता है। तो अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा हो, क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे तो नहीं कि आपको पता नहीं है, भले नहीं बताओ अलग बात है, पता सबको है कि किसने क्या क्या कमी की है। चलिए मैं बात करता हूँ। मनोरमा जी, जब आप बोल रही थी तो आपके आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जी नहीं, बच्चों को आप पहली बार मान लीजिए क्लासरूम में पढ़ाने गई हैं, और बच्चा आपको ना ही जानता है ना कुछ करता है, आपने क्या किया, खींच दिया पहले कि हाँ भाई आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तो वो तो पहले ही डर जाएगा। जैसे आप बताइए कि आप इतना बड़ा होकर के बड़े होकर के डर रही हैं कि आपके टीचर या आपके फ्रेंड है, तो बच्चा भी वहां डर जाएगा। तो क्वेश्चन नहीं, ठीक है हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं, आप उसको बताइए, तो वो क्या होगा, वो उसको हंसी से आराम से प्रेम से उसको क्या करेगा, बता देगा कि अच्छा ठीक है मैडम आई है और मैडम हमसे ये सब जाए। लेसन प्लान आपका याद नहीं था आपको, आप लगातार देख करके बोल रही थी, ये बहुत ही गलत आदत है किसी की भी, आप बगल से देख देख करके आप बोल रही थी क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप खुद से तैयार कीजिए, देख रही थी कॉपी में कहीं लिखा हुआ, आप पहले अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट कीजिए। नो सर, हम तो लिखे लेसन प्लान खुद से ही बनाए थे सर, और हम तो ऐसा कुछ किए नहीं। हाँ तो बनाए हैं, लेकिन याद नहीं था ना आपको। क्वेश्चन को कॉन्फिडेंस लेवल कब आता है, जब वो चीज आपको याद हो, याद रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा, जब याद नहीं होगा तो आप देखेंगे आप अंदर से डरेंगे। तो सबसे एक अच्छा तरीका माना जाता है, अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस अच्छा करना है, आपको नर्वस नहीं होना है, तो आप उस कोई भी प्लेयर प्लान बनाइए, आप उसको याद कर जाइए, जब याद करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि आपको ना कहीं अगल देखना है ना बगल देखना है, सब सारा चीज आपको याद है, तो अपने आप कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाएगा। जब याद नहीं होगा तो कमियां होंगी, गलतियां होंगी। दूसरी बात, प्रश्नों का जो आपका बनावट था, आपने सेंड भी नहीं किया था मुझे, जहां तक उम्मीद है आपने सेंड किया था हमको क्या? सर सौरभ सर को मैंने किया था। हाँ तो सौरभ सर भी नहीं सेंड किए थे। हाँ तो अभी नहीं, कभी भी आप ये ध्यान रखिएगा, कितने जितने भी लोग हैं, कल का अगर लेसन प्लान होगा तो आज ही हमको सेंड कर देंगे, रात में सेंड कर दे, दिन में सेंड कर दे, जब तक उनको टाइम मिलता है वो उसको सेंड कर देंगे, क्योंकि उस पर ही पहले प्लान होता है, पहले उसमें क्या कमी है क्या करना है उसको हम लोग पहले ही कर देते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि प्रश्नों की बनावट को सही करना, क्रमबद्धता थोड़ी सी टूटी हुई थी, एक ही प्रश्न को लगातार आप दो बार पूछे, एक दो उत्तर आपने ऐसे निकाले थे जो एक दो बार निकल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। और आपका तो जो टॉपिक था, टॉपिक तो निकला ही नहीं, आपने फुल बच्चों ने बता दिया, एक वर्ड का अगर आंसर आप लोगे लास्ट क्वेश्चन में जो मेमोरी लेवल का होगा, तो कोई भी बच्चा बता देगा, छोटा सा बच्चा, ये तो ग्रेजुएशन करने वाले हाई स्कूल कम से कम इंटरमीडिएट पास है, वो तो कोई बता देगा। कभी भी जो आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, मतलब कि जो संभावित उत्तर कह लीजिए या समस्यात्मक प्रश्न कह लीजिए, ऐसे क्वेश्चन एक वर्ड के नहीं होने चाहिए, एक वर्ड का होगा तो पक्का उसका उत्तर मिल जाएगा। तो कभी भी इसीलिए इसको विस्तृत प्रश्न टाइप में बनाते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल या एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन बनाते हैं, तभी ऐसे उत्तरों को, जैसे मैंने आपसे पूछा था कहाँ बताइए कि कोडरमा के भौगोलिक परिस्थिति के बारे में आप बताइए, क्यों कोडरमा कहाँ है, अगर मैं ये पूछता कोडरमा कहाँ है आप तुरंत बता देती, कोडरमा कहाँ है आप तुरंत बताती, लेकिन मैंने कहा भौगोलिक उसकी परिस्थिति क्या है, तो उसमें कहीं आपको डीप नॉलेज की आवश्यकता होगी तभी आप बता पाएंगे। तो जो भी आप चौथा क्वेश्चन रखी है, तीसरा क्वेश्चन रखिए, पांचवा क्वेश्चन रखी हुई है, तो जिसको आपको पढ़ाना है आप वो क्वेश्चन कैसा हो, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल या एप्लीकेशन लेवल का हो, तभी वो बात समझ में आएगी, अन्यथा किसी बच्चे को समझ में नहीं आएगी, मतलब आपका जो समस्यात्मक प्रश्न वो कभी नहीं निकल पाएगा। और
थोड़ा सा हिचकने की बात कही गई, बता दिया गया, सब लोग ने बता दिया कि हिचक रही थी, नर्वस थी, तो को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, हिचकने का और नर्वस का एक ही पॉइंट है, आपको समझ लीजिए याद ना होना, याद रहता तो आप कभी हिचकती नहीं, हिचकती आप नहीं हिचकती, क्यों? क्योंकि आपको देखना पड़ रहा था तो आपका जो ध्यान था क्या हो रहा था, भटक जा रहा था, क्योंकि आप नहीं देखेंगे तो भूल जाएंगी, तो इसीलिए पहले आप पॉइंट को क्या करिए, याद कर लीजिए, ठीक है मनोरमा जी? आपका रोल नंबर कितना है? 39 और नेक्स्ट दिन रोलर बोर्ड खरीद लीजिएगा आप, रोलर बोर्ड समझ रही ना, जिसको रोल कर लेते हैं, अगर आप चौक वाला खरीदेंगे जिसको चाक और डस्टर से करते हैं तो वो मुश्किल से चाक डस्टर पूरा मिला करके 50 रुपए का आ जाएगा, और व्हाइट बोर्ड खरीदेंगे तो आपका गंदा कम होता है इसमें, तो वो मुश्किल से 80 से 100 रुपए के बीच में आ जाएगा, ये नहीं कि बोर्ड ही खरीद करके लेके चले आए घर में, उस अगर आपको आवश्यकता नहीं तो मत कर दिए, उसको ले आइए कहीं टांग दीजिए और उसको लिखिए, लिख करके फिर बिटा दीजिए, ठीक है? कल लेकिन ये चीज नहीं सुनना चाहिए, कल हम ये नहीं सुनेंगे कि कल आप जब आएंगे जब नेक्स्ट स्किल लगेगा तो ये हो गया कि भाई हमने किया नहीं है या इस चीज को हमको नहीं आता है या मेरे पास रोलर बोर्ड नहीं है या बोर्ड नहीं है, ना बोर्ड चाहिए, बिना बोर्ड का हम नहीं पढ़ाने देंगे फिर, ठीक है? ओके नेक्स्ट नेक्स्ट कौन है भाई, कोई पढ़ाएगा कि नहीं? सर पेज से कर सकते हैं सर, बैक कैमरा ऑन करके? हाँ 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 करिए, नहीं खरीदोगे नहीं तो यही काम करो, और क्या करना है? सबका अटेंडेंस भी लग रहा है भाई, ध्यान रखना जितने भी लोग हैं, कोई ये सोचेगा कि नहीं हम आए हुए हैं और नहीं करेंगे कुछ भी, तो ये भी ध्यान रखें कि सबका अटेंडेंस भी लिया जा रहा है यहाँ, जो नहीं बोल रहा उसका भी क्या कौन क्या कर रहा है, ठीक है? श्वेता बैक कैमरा ऑन कीजिए अपना। गुड मॉर्निंग बच्चों। अरे गुड आफ्टरनून हो गया, पहले उसको करो कैमरा ऑन करो, कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा है शायद। दिख रहा है सर? हाँ चलो दिखाई दे रहा है। ये आप बता सकते हैं बच्चों कि ये क्या है, कोई बता सकते हैं? दिख रहा है? ये हमने एक लाइन खींची है, ये है। क्या है? तीर है ना, एरो। काजल? रेखा। ये रेखा, रेखा है, गुड। इसी तरह से ये हम तीन और रेखा खींचते हैं, ठीक है? इस तरह से हम तीन रेखा और खींचते हैं, ये सभी क्या है आप बता सकते हैं? ये सभी क्या है? रेखाएं, वेरी गुड। उसके बाद हम तीनों रेखाएं को एक दूसरे से हम मिला देते हैं तो ये क्या बनेंगे? त्रिभुज। त्रिभुज, गुड, वेरी गुड। उसके बाद बच्चों आप बता सकते हैं त्रिभुज के बारे में, कोई कुछ बता सकते हैं? त्रिभुज तीन रेखाओं से मिलकर बना होता है, इसके तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। हेलो मैम। ठीक है, वेरी गुड। उसी तरह से हम एक और रेखाएं लेते हैं, तीन के अलावा एक और रेखाएं लेते हैं, अगर चारों को हम मिला देंगे तो फिर क्या बनेंगे? ये आप बता सकते हैं कि आयत क्या है, आयत के बारे में? डोंट वरी, ठीक है, आज हम क्लास में आयत के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। थैंक यू सर। अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे नहीं अध्ययन करेंगे। जी
श्वेता सिस्टम सही करो, रोल नंबर कितना है श्वेता आपका? 18 सर। फीडबैक कौन कौन देगा भाई? अब कैमरा अपने तरफ रख लो श्वेता। चलिए गुलनाथ से क्वेश्चन बहुत पूछा आपने, गुलनाथ से पूछता हूँ। गुलनाथ सर पहला कमी इनके पास व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड नहीं है। चलिए और सर आप बोल रहे थे कि श्रृंखला बद्धता होना चाहिए, वो नहीं था शायद। अच्छा श्वेता वीडियो कहाँ है तुम्हारा, देखें भाई। क्या सर ये लेसन प्लान का? वीडियो ऑन करो पहले, वीडियो अपना ऑन करो, वीडियो नहीं दिखाई दे रहा तुम्हारा। यूनिफॉर्म कहाँ है तुम्हारा? यूनिफॉर्म सॉरी सर तुम रेगुलर नहीं आती थी कि तुमको पता नहीं है, मानो जो नहीं आ रहा उसके पास तो ये प्रॉब्लम है कि भाई वो नहीं था। तो यूनिफॉर्म कहाँ है तुम्हारा? सर नेक्स्ट बार से कोशिश करेंगे सर। बिना यूनिफॉर्म के नहीं करना है जी सर। थोड़ा सा स्पीड ज्यादा था क्या? ओके सर। अनुराग 3 मिनट सर। कितना? 3 मिनट। 3 मिनट 3 मिनट मतलब एकदम बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन जैसा बस एकदम स्पीड बनाया है, एकदम जा करके अगर चलेगी यहाँ से तो घर पे रुकना है, रास्ते में कहीं रुकना भी नहीं है सर। फर्स्ट दिन था ना सर इसलिए। फर्स्ट दिन क्या, ना ही प्लान चेक करा रही हो ना ही तुम लोग फोन कर रही हो, सर हम भेजे थे आपके पास, हम ये लेसन प्लान का हम भेजे थे। अच्छा पूछने के लिए सर सही बना या नहीं ये हम। तो मैंने क्या किया, कुछ भी दिया रिप्लाई? नहीं सर नहीं दिया। तो फिर दोबारा मैसेज नहीं कर सकती हो? ये तो सोचा करो कि बेटा कि ऐसा नहीं कि हम अकेले नहीं ना हैं, अकेले हैं जैसे तो 20 लोगों का मैसेज आ रहा है, कभी एक मैसेज भी डिसबैलेंस हुआ तो इसका मतलब किसी का ऊपर से नीचे चला गया, नीचे का ऊपर हो गया। तो आप एकाएक बार कभी फिर से मैसेज कर दिया कीजिए, कभी ऐसी भी प्रॉब्लम होती है हम लोग के साथ, ऐसा नहीं ना जैसे आप लोग को लगता है सिर्फ आप ही हैं, मेरे सब ने मेरा रिप्लाई नहीं दिया या किसी का नहीं दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे 20 लोग लगातार मैसेज कर रहे हैं और मैसेज टच हो गया उसके बाद हमने नहीं देख पाया, और एक बार नहीं देखा तो इसका मतलब आप मैसेज नहीं करोगे। आप सर हमको लगा शायद कुछ गलती हो। गलती होगा तो बताएंगे ना भाई जी। चलो इसको थोड़ा सा सही करो और बाकी ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट और कोई नहीं है भाई? चलिए रितिका पांडे, आवाज जा रही है रितिका? नहीं बोलेंगी, रुको अभी इनको रिमूव कर देते हैं यहां से, एक भी दिन फिर उसके बाद नहीं कर पाएंगी ये। जो जो है कोई प्रॉब्लम है तो वो बताए कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है इस वजह से हम इस चीज को नहीं कर पा रहे हैं, वो अलग बात है। प्रिया विनय भी है? प्रिया विनय अभी आपका नेटवर्क की स्थिति क्या है? सर अभी सर ठीक है, तो शुरू कीजिए। हाँ 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 शुरू कीजिए। अनुराग अनुराग देखते रहेंगे, अनुराग है और उसके बाद गुलनाज है, ये लोग आप लोग देखते रहिएगा, फीडबैक भी आप लोग लिखिएगा। तो
फीडबैक भी लिखेंगे सर। हाँ फीडबैक भी लिखिएगा सब दो लोग मिल करके, गुलनाज लिखेंगे और रुकिए एक मिनट प्रिया और अनुराग, दो लोग फीडबैक लिखेंगे अच्छे से। ठीक है शुरू कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहते हैं। आप बताइएगा कि हम सब कहाँ रहते हैं। नाम लेके बोलो बेटा, देख करके तभी बताएगा कोई। पृथ्वी में। प्रिया की गई है। हाँ प्रिया बोलिए। अभी ठीक है सर? हाँ हाँ बोलिए आप, आपकी आवाज सर नेटवर्क फिर से वो कनेक्ट। चलिए कोई बात नहीं, आपके यहाँ ये प्रॉब्लम है। बोलिए प्रिया, आवाज नहीं जा रही है। हाँ बोलिए ना आप बोलते जाइए। आप अनम्यूट है प्रिया, पहले अपने आप को अनम्यूट है, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। प्रिया अपने आप को अनम्यूट करें पहले। म्यूट है नीचे, एक माइक है, माइक के जगह उसी पर करिए, क्लिक कीजिए। शायद प्रिया तक आवाज नहीं जा पा रही है। हेलो जी प्रिया। हेलो हाँ हाँ बोलिए भाई। हाँ ठीक है सर। ठीक बोलिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हम किस ग्रह पे रहते हैं। निधि आप बताइएगा। निधि क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? निधि नहीं बोलेंगे, निधि दूसरे से पूछो। निधि मैम पृथ्वी पे। आप सरिता आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? मैम पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं। क्या प्रॉब्लम है प्रिया? आपके यहाँ नेटवर्क इशू है बेटा, इस वजह से ऐसा दिक्कत हो रहा है, तो आपकी क्लास हो पाना संभव नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू हो रहा है। तो नेक्स्ट दिन से आप ये ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कहीं और से आप पढ़ा लें, कहीं और मतलब कि अपना जो कोई रोलिंग बोर्ड हो कहीं किसी अन्य के घर पे या किसी अन्य जगह पे जा करके, जहाँ संभव हो सके नेटवर्क एरिया हो वहां करें, क्योंकि नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, नहीं होगा तो दूसरा मैं उपाय बताऊंगा आपको, आप वैसे भी कर सकते हैं। इस स्किल में थोड़ा दिक्कत है लेकिन अन्य स्किल में मैं आपको बताऊंगा, आप उनसे बात कर लीजिएगा। ठीक है ओके। विनय प्रिया की समस्याएं हैं इस वजह से नहीं है। नेक्स्ट कोई जो पढ़ाना चाहता है। निधि कुमारी शायद इनको आवाज, ये अपने आप को म्यूट कर रखी हैं, तो इनको पहले आज मैं अब्सेंट करता हूं। अशोक मुंडा, भाई कौन गाना गा रहा है, किसके घर से बच्चा है भाई, उसको म्यूट कर लीजिए। अशोक मुंडा
ये भी नहीं है। सरिता, रितिका पांडे, सरिता जुड़ी हुई थी, सरिता? यस सर। और ठीक, रेडमी C3 के नाम से कौन है भाई, कोई है जो अपना बता दे नाम? नहीं है, कोई बात नहीं, बोलेंगे। राहुल कुमार है जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड राहुल, आप पढ़ाएंगे? सर मेरे पास बोर्ड नहीं है सर, तो व्हाइट पैड है उस पे पढ़ा सकते हैं? हाँ हाँ भाई, कॉपी से भी पढ़ा सकते हैं। समस्या प्रॉब्लम है तो देखो, प्रॉब्लम का निदान भी है, ऐसा नहीं है कि लेकिन नेक्स्ट दिन करिए। आप बना रखे हैं प्लान? हाँ सर बना रखे। हाँ तो चलिए ठीक है, तो करिए उसको, उसी को पढ़ाइए। स्टार्ट करते हैं। सर इस बोर्ड में पढ़ा सकते हैं ना? किसी भी बोर्ड पे पढ़ा सकते हैं, जो भी है आपके पास। मेरा इसका दिख रहा है ना सर, इसका फिगर? बोलिए भाई, कोई रिप्लाई दीजिए। हाँ दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हम लोग, आज आप लोग से एक प्रश्न है कि सुबह पूर्व की दिशा में आकाश में क्या होता है, कोई आंसर देंगे? श्वेता मेरी आवाज जा रही है, आंसर कोई देंगे? सुबह पूर्व की दिशा में आकाश में क्या निकलता है? फिर से रिपीट कीजिए। सूरज। सूरज, ओके गुड। श्वेता आप बताइएगा कि सूरज से हमें क्या होता है? आवाज मेरे पास क्लियर नहीं आ रही है। ऊर्जा प्राप्त होती है जी। गुड, थैंक यू, वेरी गुड। श्वेता प्रकाश के बारे में आप जानते हैं? प्रकाश जिसके माध्यम से हम किसी चीज को देखते हैं, प्रकाश का एक गुण है कि वो सीधी रेखा में गमन करती है। ओके वेरी गुड। तो चलिए आज हम लोग प्रकाश के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ओके सर। अच्छा, और कुछ भाई? अनुराग टाइम ये 3 मिनट। 3 मिनट पहले तो ये जान लीजिए कि राहुल आपका जो प्रस्तावना कौशल बना था सर। ये पहले अपने आप को वीडियो ऑन करिए, सामने आइए। अपना अपने तरफ करिए कैमरे से। ठीक है, आपने इसको कहीं भेजा था, किसी से चेक करवाया था?
जी सर करवाए थे। किससे? सर आपसे भी करवाए थे सर, और सौरभ शर्मा सर से करवाए थे। तो मैंने क्या लिखा था उसमें? सर आपका कोई रिप्लाई नहीं आया था, बट सौरभ शर्मा का आया था गुड सर रिप्लाई। गुड आया था। अगर रिप्लाई नहीं आया कभी तो पहला काम ये करना है कि नहीं सर, आपका भी रिप्लाई आया था सर, उसमें हम समस्यात्मक प्रश्न लिखे थे सर, तो उसमें आपका रिप्लाई आया था कि समस्यात्मक की जगह संभावित उत्तर लिखो। संभावित उत्तर लिखा था ना, तो आपने तो बोल दिया डायरेक्ट कि आया ही नहीं था। होता है कभी कभी कि जैसे नहीं आया तो आप एक बार और भेज दीजिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपके क्लास के बहुत बच्चे हैं या अन्य भी मैसेज आते रहते हैं भाई, पर्सनल लाइफ भी है, प्रोफेशनल लाइफ भी है, आप लोग भी हैं। तो क्या होता है कभी कभी कि जैसे मैसेज को हमने टच किया और मैसेज वो रीड हो गया और हमने उसको देखा नहीं, तो जिस श्वेता अपनी अपने आप को अनम्यूट कर लें, म्यूट कर लें, और आप राहुल आप अपने आप को वीडियो ऑन रखें, सामने ही रहें। तो ऐसी कंडीशन भी होती है कि थोड़ा सा जो लेसन प्लान था, लेसन प्लान में हल्का सा सुधार की आवश्यकता है। सुधार की आवश्यकता क्या है कि जो लास्ट क्वेश्चन आपका है वो क्वेश्चन ऐसा है कि उसके आगे आपका बन नहीं रहा है कुछ भी, क्योंकि आपने एक वर्ड का क्वेश्चन बना दिया जो उसकी वजह से आपका उत्तर मिल गया। तो कोशिश हमको ये करनी है कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन जो होता है, आपने जैसे वर्ड बोला समस्यात्मक प्रश्न, तो समस्या उत्पन्न होनी चाहिए बच्चों के सामने, मतलब बच्चों को सोचने के लिए मजबूर करना है, क्योंकि अगर बच्चा मजबूर नहीं होगा तो फिर आप पढ़ाएंगे क्या। तो इस चीज का ध्यान रखें थोड़ा सा कि ऐसे प्रश्न जो समस्यात्मक हो वो अंडरस्टैंडिंग या एप्लीकेशन लेवल के हो, मतलब लेवल उसका थोड़ा सा हाई हो जिसका उत्तर तुरंत निकले नहीं, इस चीज का सब लोग ध्यान रखेंगे। तो ऐसे दूसरी बात, प्रकरण को आपने पहले लिख दिया, जो टॉपिक है आप अपना पहले ही बता दिया प्रकाश पढ़ना है, तो बच्चा आपका क्यों पढ़ेगा भाई? प्रकरण पहले नहीं लिखना है सर। तो वो क्यों आपकी बात को करेगा ये बताइए। जब स्टूडेंट को आप बता दिए कि भाई हम प्रकाश पढ़ाएंगे तो ये इतना तामझाम क्यों? जैसे देखते हो कि किसी भी लड़की को देखने जाइए तो उसके पहले क्या होता है, पूरे घर को सजा दिया जाता है बकायदे अच्छे से, अब जाइए नाश्ता पानी सब मिलता है, सारे घर वाले हैं, लेकिन लड़की को नहीं बुलाते हैं। लड़की को तब तक नहीं बुलाते हैं जब तक कि सारा खाना वाना खिला पिला करके या नाश्ता पानी करा करके एकदम तैयार नहीं हो, उसके बाद उसको बुलाते हैं कि हाँ भाई अब देख लो। क्यों? उसके पहले सारी भूमिका बनाई जाती है कि हाँ भाई भूमिका बांध करके हम तैयार हैं, हाँ एकदम सही चीज है, तभी लड़की को दिखाने का काम करते हैं या लड़के को दिखाने का काम करते हैं। ऐसे ही जब हम इंट्रोडक्शन निकालने जाते हैं तो इंट्रोडक्शन में यही काम होता है, सबसे पहले आपको भूमिका बांध लेनी है पूरी तरीके से, भूमिका के बाद ही हमको लड़की को दिखाना है, मतलब लड़की का मतलब यहाँ पे किसको है, अपने टॉपिक को दिखाना है, क्या इस टॉपिक को हमको पढ़ाना है। आपने पहले ही दिखा दिया तो फिर उसके बाद बाकी चीजें क्या है जी सर, बाकी कोई मतलब है उसका? कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही चीज को हमको ध्यान रखना है कि प्रकरण को पहले नहीं लिखना है। और लगातार आप श्वेता से ही पूछ रहे हैं क्वेश्चन को, श्वेता 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 कि नहीं, आपको नाम भी चेंज करने है, क्योंकि क्लास में एक ही बच्चा नहीं पढ़ रहा बल्कि अनेक बच्चे हैं आपके क्लास का नाम पता नहीं था सर, समझे ना? नहीं है तो आप बगल स्लाइड करके देखिए आप वहां से, जैसे हम लोग भी पूछ रहे थे तो देख रहे थे ना, किसी ने किसी को देख करके अन्य नामों से बुला रहे थे, तो ऐसे भी आपको कर देखना है। और स्पीड बहुत ज्यादा रही है, जैसा कि आपको पता है कि 3 मिनट में ही आपने पूरा काम खत्म कर दिया जी सर। मतलब मिला है 6 मिनट कि भाई आप 3 दिन में काम करिएगा, और आपने 1.5 दिन में काम करके उसके बाद 1.5 दिन सोना है, खरगोश वाली स्थिति हो गई, जैसे कछुआ और खरगोश का था नहीं, तो खरगोश वाली चल करके जा करके क्या करना है, सो जाना है, तो सो जाएंगे तो समझ लीजिए सब काम निकल गया। तो थोड़ा सा स्पीड कम रखिए, और थोड़ा सा नर्वस जो सिस्टम है आपका, मतलब थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे अंदर, ऐसा लग रहा था कि कहीं डिसबैलेंस हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तैयार नहीं होता तो ये चीज होता है, तो क्वेश्चन सही से तैयार करिए, याद रखिए, तो ये जो थोड़ी सी हिचकपन है वो क्या होगा, दूर हो जाएगा। ठीक है? ठीक है सर। और किसी को भाई कुछ और कमी लग रहा है तो ऐसा बता दीजिए इनको, क्योंकि भविष्य में इसको इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट और कोई?
जो करना चाहता हो टीचिंग। मैं नाम लेकर के बोलने जा रहा हूं, जो जो कौन कौन टीचिंग कर लिया है पहले उसका नाम बोल रहा हूं। काजल कुमारी प्रेजेंट है, अच्छा ठीक। सरिता कुमारी, यस सर। नीतू कुमारी जी सर। गुलनाज नगमा, यस सर। आकांक्षा, यस सर। मनोरमा, यस सर। श्वेता राणा, यस सर। राहुल, यस सर। और प्रिया विनय, क्योंकि इनके पास प्रॉब्लम था, ये तैयार थी सब कुछ करने के लिए, फिर भी इनके साथ मतलब थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहा, तो इनको हम लोग इंक्लूड करेंगे कि इन्होंने प्रेजेंट किया है। बाकी कोई ऐसा तो नहीं है जिनका नाम, जिन्होंने प्रेजेंट किया और उनका नाम ना हो? सभी लोग हैं। जो नहीं किए हैं और जुड़े हुए हैं उनका भी नाम बता दूं। एक तो अनुराग हैं, जो कि सहयोग तो बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो अनुराग, नेक्स्ट दिन से इस चीज का ख्याल रखिएगा आप। और जितने लोग के पास बोर्ड नहीं है, बोर्ड को भी वो लोग खरीद लें, क्योंकि बहाने से काम नहीं चलेगा, उसको करना पड़ेगा। अनुराग है, अनुराग ने नहीं किया है तो आज जो नहीं कर पाया सर वो कल कर सकता है ना सर? दूसरे स्किल का करेगा। अच्छा, इस स्किल का नहीं। और कल दो दो बना करके रखना है। और 456055 ये कोई है जो शायद अपना नाम नहीं डाल रखे हैं, चाहे जो भी हो। अमृता प्रियतम, ये लगातार जुड़ी हुई हैं, शुरू से जुड़ी हुई हैं, ना ये किसी का रिप्लाई दे रही ना कुछ कर रही हैं, सिर्फ इनका नाम जुड़ा हुआ है। रेडमी सी के नाम से कोई जुड़ा हुआ है, ना ये रिप्लाई दे रही ना कुछ कर रही है, तो कोई बात नहीं है, आज कर लीजिए, कल से इनको बाहर कर देंगे। और उसके बाद रीतिका पांडे हैं, जो कि ये भी रिप्लाई भी नहीं दे रही है ना ही एक्टिव है। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, आपने नहीं किया है प्रेजेंट किया कोई भी चीज, लेकिन आप जुड़ तो सकती हैं, बात तो कर सकती हैं, वो भी नहीं कर रही हैं। और निधि कुमारी हैं एक, ये चार लोग हैं जो कि नहीं कर रहे हैं। और अशोक मुंडा थे जो कि छोड़ दिए हैं। और निभा थी जिन्होंने जो जुड़ी हुई थी लेकिन नहीं किया है। तो अन्य कोई जो दोबारा से करने के लिए तैयार हो, जो अब नहीं करना चाहते हैं अभी, जिन्होंने नहीं किया है और दोबारा से मतलब दूसरा क्लास करना चाहते हैं, या कोई अन्य टॉपिक बना करके तैयार हो इंट्रोडक्शन का, तो वो फिर से पुनः आप प्रेजेंट कर सकते हैं। है कोई? जो तैयार हो कोई रिप्लाई दे दो भाई। कोई दोबारा नहीं करेगा सर? हाँ, एक और जो आपको सेंड किए थे वो वाला, मतलब हमको लेसन प्लान याद है तो वो कर सकते हैं? हाँ हाँ, करिए करिए। ओके सर, दो मिनट। अच्छा ठीक। दो मिनट, जब तक गुलनाज प्रेजेंट नहीं करती है मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग ध्यान रखिएगा सभी लोग। आवाज जा रही है सभी को? यस सर। ठीक, हेलो सर।
सर, माइक्रो टीचिंग का डीएलएड में, डीएलएड जो ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में आपका अटेंडेंस लिंक गया हुआ है, पहले अटेंडेंस लिंक आप भरिए। ग्रुप में जहाँ सर भेज चुके हैं अटेंडेंस लिंक, अटेंडेंस लिंक को भर दीजिए आप लोग। हेलो सर। हाँ जी, कर सकते हैं सर। हाँ हाँ गुलनाज, रुकिए, अटेंडेंस लिंक गुलनाज गया हुआ है ग्रुप में जो, पहले उसको भर दीजिए आप लोग, फिर उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। ओके सर। दो मिनट आप लोग को समय देते हैं, सब लोग करिए। सर अटेंडेंस तो हर मतलब कई बार भर दिया, कई बार मेरा भी छूट गया तो सर, लेकिन कहीं से पता नहीं चल सकता सर कंफर्म कि मेरा रजिस्टर हुआ है या नहीं? आप करेंगे यहाँ पे, हम लोग के पास ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है वो यहाँ पे, मतलब कंप्यूटर में ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि आप रोज का भरते जाएंगे, रोज का हमारा उसमें चढ़ता जाएगा, प्लस होता जाएगा, नहीं रहेगा तो जीरो हो जाएगा वहाँ पे उस दिन। मेरा भी आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते अभी, क्योंकि वो दूसरा सिस्टम है, दूसरी जगह वो जनरेट होता है, मैं दूसरी जगह क्लासरूम में हूँ। आप लोग भर भी रहे हैं सब लोग, क्या मैं कोई सूचना देना चाहूँ तो सूचना दे सकता हूँ, बोलिएगा सब लोग। यस सर। हाँ चलिए ठीक, अच्छा तो कल की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद गुलनाज अपना प्रैक्टिस शुरू करेंगे। कल हमारा जो टीचिंग है, स्किल है, टीचिंग स्किल प्रैक्टिस ऑफ एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन जो है उसको करना है, व्याख्यान कौशल जिसको। जो व्याख्यान कौशल है, कम से कम दो प्लान तैयार हो आपका, दो लेसन प्लान बना लीजिएगा आप लोग, सेंड कर दीजिएगा। व्याख्यान कैसे किया जाता है पहले मैं ये आपको बता दूं, जनरली तरीके से समझिए। आप कोई भी टॉपिक ले लीजिएगा, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, विज्ञान हो, अंग्रेजी हो, चाहे गणित हो, किसी का भी ले लीजिएगा। लेने के बाद आप उसको पढ़ जाइए एक बार, एक पैराग्राफ है, दो पैराग्राफ है, आप उसको पढ़ जाइए। पढ़ने के बाद उसमें जैसे हम लोग निष्कर्ष नहीं निकालते हैं कि भाई इस चीज का इतना निचोड़ होगा, उसको आप क्या करिए, आप अपने लेसन में लिख लीजिए, और वही सेम टू सेम चीज जो आप लेसन में लिखेंगे, सेम टू सेम चीज आप यहाँ पे पढ़ाएंगे, उसको हम सुनेंगे, ध्यान रखने वाली बात है। बाकी चीजें मैं कल करके खुद दिखाऊंगा, जैसे आज मैंने स्टार्टिंग में बताया है वैसे किया है, लेकिन दो लेसन प्लान कम से कम आप तैयार रखेंगे किसी भी सब्जेक्ट के, क्योंकि मैं आज तो रीटीच नहीं करवाया हूँ, दोबारा से नहीं करवाया हूँ, नहीं तो कल से ये करूंगा कि रीटीच करूंगा तुरंत। टीचिंग का मतलब कि आप काम कर रहे हैं और उसको हम काट देंगे कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं होगा, जो आज जो कोई डर रहा था ये कर रहा था, कल नहीं होगा। कल का मतलब रीटीच अगर लिख दिया तो आपको लास्ट में फिर मैं समय दूंगा कि हाँ रीटीच, फिर उसी प्लान को दोबारा से पढ़वाऊंगा, और तब तक पढ़वाऊंगा जब तक फाइनल नहीं कर दूंगा कि हाँ नहीं ठीक है, एक हिसाब से ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। इंट्रोडक्शन स्किल जो नहीं किया हुआ है, ठीक है, वो बना लेंगे, अगर कोई दूसरा फिर से करना चाहता है वो भी बना करके रखेंगे, कल समय मिलेगा। मुझे पता है समय तो हमको अपने हिसाब से एडजस्ट करना होता है, नहीं रहेगा तो समय को बढ़ा करके मैं उस चीज को आपसे पूछूंगा, मतलब आपसे करूंगा, और आप लोग वहां भी मैं आपको करवा दूंगा अगर आपके पास समय मिलता है तो। तो इंट्रोडक्शन जो जो नहीं किया है उसको बना लेगा, और दो टॉपिक कम से कम, मिनिमम दो टॉपिक, अगर संख्या अगर बढ़ा सकते हैं आप लोग तो और बढ़ा लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन का आप बना करके तैयार रखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, उसी के हिसाब से हमको टैलीज करनी है। क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए अभी, किसी को भी कोई डाउट हो तो अभी पूछ ले, जो लोग सिर्फ सुन रहे हैं वो भी पूछ सुन ले। सर एक्सप्लेनेशन स्किल का एक डेमो अभी करा देते सर। एक डेमो अभी करा दें जी सर। जस्ट अब किसी के पास है नहीं बना, किसी ने बनाया है कि नहीं बनाया है?
बनाए हैं एक्सप्लेनेशन स्किल पे सर, मैंने भी बनाया है सर। अच्छा चलिए एक लोग कोई भेजिए तो अभी जस्ट कौन बोल रहा है हम बता दीजिए तो। राहुल हम बोल रहे हैं सर। राहुल भेजे हैं आप हमको? हाँ सर भेजे थे, कल शाम में ही भेजे थे। अच्छा रुकिए एक बार देखता हूँ मैं। राहुल क्या बनाए हो राहुल इस चीज को? बहुत लंबा चौड़ा बना के दिए हो सर। बहुत लंबा है सर ये। नहीं विकासात्मक क्वेश्चन कहाँ से आ गया ये इसमें से? ये बताया गया है क्या आपको? और कोई भेजिए दूसरा कोई। और कौन बोलती है? कौन गर्ल्स में कौन बोल रहा था? नीतू बोल रही थी जी सर, मैंने आपको अभी भेजा है सर। अच्छा सर ने आपको बताया था कि पहले क्वेश्चन पूछ लेना उसके बाद एक्सप्लेन करना है। ये कहां से आप लोग देख करके बनाए? ये करें कोई आपको क्वेश्चन पूछने के लिए किसने बोला था? सर ने बताया था? नहीं सर, सर ने ना एक फॉर्मेट भेजा था जो प्रीवियस ईयर के बच्चों ने बनाया था। हेलो। हाँ हाँ जी सुन रहे हैं बोलिए सर। उसी के बेसिस पे हमने बनाया है, बट हमने इसको वो सर जो कौन से गौरव सर क्या है ना, मैंने उनको भेजा हाँ, था ये। अच्छा उन्होंने थोड़ा सा करेक्शन इसमें करा कि जैसे लास्ट वाला मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है चीजों को, तो उन्होंने बस इतना बताया कि आपको इतना एक्सप्लेन नहीं करना है क्योंकि आपको टाइम का भी ध्यान रखना है। बस नीचे जो सेल का पार्ट से न्यूक्लियस वगैरह तो उसका बस नाम लिख के आपको छोड़ देना है। ये तो फाइनल लेसन प्लान का मतलब ये तो माइक्रो लेसन प्लान का टॉपिक है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ना कि माइक्रो लेसन प्लान का टॉपिक है। तब तो एक मिनट रुकिएगा और मैं थोड़ा सा सर से डिस्कशन करता हूँ। सर यहीं पे है तो एक
सॉरी बेटा, आवाज जा रही है? यस सर, आ रही है। अच्छा ठीक है राहुल, एक्चुअल में थोड़ा सा जिसने भी भेजा राहुल, आप थोड़ा सा उसको करेक्शन करेंगे वहां पर। अब होता क्या है कि मैं सर से ही डिस्कस कर रहा था इस चीज को कि सर लेसन प्लान आप कैसे बताए हुए हैं, उस चीज को थोड़ा सा हमको थोड़ा बता दीजिए, फिर उसके बाद मैं बच्चों से डिस्कस करता हूँ उसी आधार पे। तो आपको क्या करना है कि पहले क्वेश्चन नहीं उठाना है, ठीक है? आप लोगों ने क्या किया कि आपने क्वेश्चन बना दिया पहले ही, दो लोगों का मैंने लेसन प्लान दिया, दोनों लोगों के लेसन प्लान में ये चीजें हैं, तो क्वेश्चन नहीं उठाना है। आप जो टॉपिक लिए हैं, कोई भी टॉपिक है, ठीक है, मान लिया जाए कि आपने एक टॉपिक ले लिया शिक्षा, मैं जनरली टॉपिक ले रहा हूँ, ठीक है? टॉपिक का हमारा नाम क्या हुआ? शिक्षा। शिक्षा, ठीक है। ब्लैक बोर्ड पे जाएंगे सभी लोग, आवाज क्लियर है ना एकदम? जी सर क्लियर है। और कोई भी रिप्लाई दे दे, हो सकता है राहुल आपके पास जा रहा हो और अन्य लोगों के पास। ठीक ठीक है, ओके बेटा। तो जैसे हम लोग क्या करें कि अपने ब्लैक बोर्ड पे जाएं और ब्लैक बोर्ड पे जा करके ऊपर जैसे फिर लिखे स्किल क्या है, स्किल का आप नाम लिख दीजिए कि स्किल का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन की जगह क्या लीजिए, एक्सप्लेनेशन अर्थात व्याख्या, ठीक। दिनांक डालेंगे, विषय डालेंगे, कालांश या चक्र डालेंगे, कक्षा डालेंगे, प्रकरण लिखेंगे, प्रकरण लिखने के बाद आप अपना टॉपिक लिख देंगे, ठीक है? प्रकरण के बाद तुरंत ही आप अपना टॉपिक लिख देंगे। आज क्या था, आपको टॉपिक नहीं डालना था, टॉपिक लास्ट में डालना था जब निकल जाए क्वेश्चन, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे टॉपिक पहले ही डाल देंगे, टॉपिक डालने के बाद उसको अंडरलाइन कर देंगे। क्लियर है ये बात सभी को? जी सर। सर कालांश का मतलब चक्र होता है, पीरियड कौन सा है, किस पीरियड में आप पढ़ा रही, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होता ना भाई, कौन सा घंटी पढ़ने जा रही है आप? यस सर, पीरियड। पीरियड, हाँ, उसको हिंदी में बेटा उसको कालांश या चक्र बोलते हैं, ठीक ना? लेकिन जैसे टॉपिक है तो टॉपिक को हम लोग टॉपिक ही बोलते हैं ना हर समय, प्रकरण नहीं बोलते हैं तो। लेकिन जो शिक्षण होता है, शिक्षण में उसको हम लोग प्रकरण वर्ड यूज करते हैं, प्रकरण। सर एक बार, और समय सर, हेलो, हाँ, बोर्ड पे ऊपर में क्या क्या लिखना सर, वो एक बार थोड़ा सा धीरे धीरे रिपीट करिए ना। चलिए ठीक, पहला नाम है कि जो कौशल का नाम, ओके सर, कौशल का नाम वहां लिख दिए कि व्याख्यान कौशल, ठीक, हाँ। कल का जो रहेगा, फिर उसके बाद बोर्ड के लेफ्ट साइड में सबसे, ओके सर, जब हम खड़े होंगे तो हमारे लेफ्ट साइड रहेगा बोर्ड के, नहीं बोर्ड का राइट हैंड हुआ और हमारा लेफ्ट हैंड, ठीक है? तो वहां लिखेंगे दिनांक, जो डेट है डेट, उसी के सामने बीच में लिखेंगे विषय, और एक किनारे लास्ट वाले किनारे में जब राइट हैंड के साइड हो जाएंगे हम अपने, तो वहां लिखेंगे कालांश या चक्र, ठीक। फिर आइए लेफ्ट साइड, जहां दिनांक लिखा, दिनांक के जस्ट नीचे कक्षा, इंग्लिश वाले जो रहेंगे उसको क्लास लिखेंगे, जिस क्लास का आपने लेसन प्लान बनाया, फिफ्थ का, सिक्स का, एट्थ का, जिसका बनाया है आप वहां लिख देंगे। विषय के जस्ट नीचे प्रकरण, टॉपिक, उसको लिखेंगे, और लिखने के बाद कक्षा के बाद विषय, नहीं कक्षा के विषय तो ऊपर हो चुका है, उसके नीचे प्रकरण, टॉपिक, ठीक है? और टॉपिक को लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आप प्रकाश पढ़ा रही हैं तो प्रकाश लिख करके नीचे अंडरलाइन कर देंगे उसको, ओके, वहीं पे। और उसके बाद लास्ट में जहां कालांश है, कालांश के नीचे समय, समय वही रहेगा 5 से 7 मिनट या 6 मिनट, जो भी लिखना है, ठीक है? ओके सर। इसको करने के बाद ठीक है बच्चों, आज हम सभी प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आपने प्रकाश से रिलेटेड जितना कुछ लिखा है, आज आपने प्रकाश का सिर्फ क्या निकाला, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद आप पढ़ाना आपको शुरू करना है, तो पढ़ाने के लिए आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि 5 से 6 मिनट के बीच में हम क्या क्या कर सकते हैं, कितना बोल सकते हैं, आधा पेज बोल सकते हैं, पूरा पेज बोल सकते हैं, उसको लिख लीजिएगा, जो बोलना है वही लिखना है, ये नहीं कि किताबी भाषा आप उतार दीजिए। आप क्या करिए, अपने वर्डों में लीजिए, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देते हुए चल रहा हूँ, मान लीजिए मैंने, हाँ जी सर, इसमें मतलब हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप बोल कौन रहे हैं पहले ये बताओ सर। नीतू बोल रहे हैं, नीतू कुमारी, हाँ, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा,
हाँ अपना टॉपिक करना है उसके आगे करना है और हम उसके उसको एक्सप्लेन करने लगेंगे एक्सप्लेन जब आप करेंगे बीच में आपको लगता है कि क्लास में बच्चे सो रहे हैं बच्चा हमारी बात को नहीं सुन रहा है तो बीच में क्या करिए आप एक आध क्वेश्चन ले लीजिए आप क्या करिए जो पढ़ा रही हैं उसी में से पूछना है ये नहीं कि अपने घर से लगे पूछने ना जो आपने पढ़ाया हुआ है उसी में से कोई क्वेश्चन आप लास्ट में पूछ सकती पढ़ाने के बाद पूछ सकती हैं या बीच में कहीं पूछ सकती हैं तो आप ब्लैक बोर्ड वर्क के जगह पे आप क्वेश्चन लिख दीजिएगा मतलब जो है या उसके बीच में आप कहीं एक क्वेश्चन लीजिए मतलब मान लीजिए कि एक पैराग्राफ आपने पढ़ाया ठीक है पांच लाइन के बाद आपने कोई एक क्वेश्चन ले लिया तो उसको बीच में या तो क्वेश्चन लिख लीजिए नहीं लिखने की आवश्यकता है तो आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं ठीक है लिखने की आवश्यकता नहीं है आप पूरा एक्सप्लेनेशन का अपने चीजें लिख लीजिए वहां करिए या लास्ट में पढ़ाने के बाद सबसे लास्ट में आप कोई एक क्वेश्चन लेकर के आप वहां क्वेश्चन मतलब टीचर एक्टिविटी जो है उसमें क्वेश्चन लीजिएगा स्टूडेंट एक्टिविटी में उसका आंसर लिख लीजिएगा और अगर ब्लैक बोर्ड वर्क करना है तो कोई चीज पढ़ा रही है तो पढ़ाने समय मान लीजिए डेट आ गया है किसी चीज का कोई कठिन वर्ड आ रहा है तो आप उसको क्या करिए ब्लैक बोर्ड पर लिख दीजिए तुरंत ब्लैक बोर्ड पर जाकर के लिख दीजिए सिर्फ इतना काम करना है आप लोगों को क्लियर है क्लियर है या नहीं फिर से पूछे बताइए सर हम ये पढ़ाते पढ़ाते ठीक है मेरा खत्म हो गया तो सर लास्ट में हम बस पढ़ा के छोड़ देंगे या फिर कुछ क्वेश्चन वगैरह भी देंगे क्वेश्चन एक ठो पूछ लेना क्वेश्चन अभी देना नहीं है घर के लिए नहीं देना है आपने जितना पढ़ाया उसमें से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं जनरली जैसे आज पूछ रही थी नहीं तो वो पहले आप एक क्वेश्चन जितना पढ़ाया उसमें से एक क्वेश्चन को उठा करके पूछ लीजिए बच्चे से बस ठीक है बस आगे का गद हाँ उसके बाद बस वही आप समाप्त कर देंगे हाँ फिर समाप्त कर देंगे ठीक है इसके आगे का अध्ययन हम नेक्स्ट दिन करेंगे ओके थैंक यू सर किसी को अन्य कोई डाउट नो सर कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा नहीं तो परेशान हो गया अपने में खुद में नहीं सर कोई डाउट नहीं है कोई डाउट नहीं है तो कल का प्रेजेंटेशन करने के लिए तैयार हाँ हाँ सर मैंने जो भेजा है सर उसमें उसको थोड़ा एक बार आप चेक कर दीजिएगा सर क्वेश्चन हाँ तो आप हमको भेजिएगा नहीं तो उसमें डाल दीजिएगा सर आप इसको चेक कर लीजिए एक बार क्योंकि ऐसा भी होता है बेटा कभी जैसे हम लोग यहाँ कॉलेज में हैं कभी खुल गया खुल करके ऐसा होता ना कभी नहीं होता तो आप एक बार मैसेज हमको और डाल दीजिए या कॉल कर लीजिए कॉल कभी भी कर सकते हैं आप लोगों को कॉल करने के लिए कोई दिक्कत है आप फोन कर लीजिए सर इसको चेक कर लीजिए या कोई चीज है तो आप हमको बताइए मैं बोलता हूँ क्योंकि मैसेज से बहुत ज्यादा बातें नहीं हो पाती हैं जो आपका कंफ्यूजन है वो दूर नहीं पड़ा तो आप हमको कॉल कर लीजिए हम आपका सर, वैसे आपकी समस्या सर मैंने आपको भेजा है आप चेक कर लीजिएगा नहीं तो मैं आपको शाम को एक बार कॉल करूंगी सर कॉल कर लीजिए आप लोग कोई बात नहीं है आप लोग 8 बजे 9 बजे तक भी कॉल कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अभी है समस्या तो हम आपका कॉल कभी भी रिसीव कर लेंगे अब ये नहीं कि 12 बजे रात में फोन करके लगे कहने सर ये चीज हमको नहीं समझ में आ रहा है अन्य किसी को और कोई प्रॉब्लम मनोरमा कुछ बोलना चाह रही है हाँ जी बोलिए बता दीजिए ना सर हम नोट नहीं कर पाए आवाज नहीं आ रही मनोरमा आपकी सही से सर आप अपने आप लोग को आवाज आ रही है क्या मनोरमा क्या बोल रही है अच्छा नंबर नहीं नोट कर पाई हैं ठीक है नोट कर लीजिए 8865809284 8865809284 ठीक है मनोरमा यस सर सर आज का वीडियो मिलेगा क्या लिंक वीडियो नहीं होगा क्योंकि इसको उस पे नहीं लिया गया है क्योंकि ये प्रैक्टिस की चीजें हैं तो इसका वीडियो मिल पाना संभव नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो जनरली बात है तो उसको अपलोड नहीं किया जाएगा जल्दी संभव नहीं होगा अगर होगा तो
देखते हैं अगर रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग मोड में डाल रखा है कि नहीं, नहीं डाला हुआ तो संभव आप लोग कर लेंगे कि इसको हमको करके दिखाना भी पड़ेगा, ये बताइए कल दिखाएं या अभी दिखाना, तो अभी बता दीजिए, बताइए कर लेंगे सर, कल ही दिखाएं, नहीं आज भी अगर चाहें आप लोग तो मैं एक दो मिनट तो कर ही सकता हूं, भले छह मिनट नहीं करूंगा लेकिन जी सर आज ही बताइए, आज ही कर दीजिए, आज ही कर दीजिए सर, हम लोग प्रैक्टिस तो करेंगे कम से कम ठीक है ठीक। एक ऐसी जनरेट मैंने मैं आया बोर्ड पे लिख दिया हूँ, बोर्ड का काम तो कर लेंगे, बोर्ड के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, नो सर नो, फिर उसके बाद फिर गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, मैं कृष्ण कुमार सिंह, आज हम सभी लोग इस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, टॉपिक हमारा है शिक्षा। बच्चों आज हम शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष धातु से हुई है, संस्कृत में शिक्ष जो वर्ड है उसमें आ प्रत्यय लगाने से शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति के साथ हम अन्य चीजों को भी लेते हैं, जैसे इसका अंग्रेजी मीनिंग जो होता है उसको एजुकेशन बोलते हैं, एजुकेशन जो शब्द है लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है, और एजुकेटम जो वर्ड है दो शब्दों से मिलके बना है, ई प्लस टू को, ई का अर्थ होता है अंदर से, टू को का अर्थ होता है बाहर निकालना, अगर आपके पास ब्लैक बोर्ड है तो ब्लैक बोर्ड आप यूज करके आप उसको वहां पर दिखा दीजिए कि आप ऐसे कर सकते हैं, फिर इसके बाद आपके ठीक है, इसके बाद हम शिक्षा की परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, तो शिक्षा की परिभाषा महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य के मन मस्तिष्क और आत्मा के सर्वोत्तम और सर्वांगीण विकास से है। इसके बाद शंकराचार्य के अनुसार सा विद्या या विमुक्ते, विद्या वह है जो मुक्ति दिलाए। लास्ट में अच्छा ये बताइए कि सा विद्या या विमुक्ते परिभाषा किसने दी है, बच्चे ने शंकराचार्य ने, ठीक है। इसके आगे शिक्षा के प्रकार के बारे में हम लोग या अन्य टॉपिक के बारे में हम लोग कल अध्ययन करेंगे, यहाँ करके आप अपने टॉपिक को क्या कर दीजिए, इंड कर दीजिए, ठीक है जी सर। बस बहुत ज्यादा नहीं करना है लेकिन याद होना चाहिए, ध्यान रखें एक्सप्लेनेशन का सबसे मजबूत पॉइंट ये होता है कि आप उस प्रकरण को, इस टॉपिक को, जिस टॉपिक को आप पढ़ाने जा रहे हैं उसकी जनरली चीजें आपको याद होनी चाहिए, अगर आपको याद नहीं होगा तो आप जाके फंसेंगे, अगर याद नहीं होगा तो पक्का समस्या आएगी, और याद होगा तो कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है बेटा। तो फिर आज का क्लास ऑफ करें किया जाए, ओके सर ओके, सभी लोग अपना अपना लेसन प्लान हमको सेंड कर देंगे, और आशा करते हैं कि आज की जो बातें जो भी रहा होगा आप लोग को समझ में आया होगा, अगर कोई फीडबैक होगा तो आप लोग फीडबैक भी सेंड कर दीजिए, चाहे ग्रुप में सेंड कर दीजिए चाहे पर्सनल कर दीजिएगा, ठीक है। आज का क्लास हम लोग अभी ऑफ करते हैं, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए सभी लोग।